easy to fall in love again. इंटरव्यू आते तो अजलान्स दादा को विल कॉल मी सो स्वीट आई एम वेरी क्लोज टू देम इवन नाउ क्योंकि घर में बड़ी हुई. हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन. आज जो मेरी मेहमान हैं, मैं सोच रही हूँ उनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा ही ना हो जाए बिकॉज मेरे पास उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, बट कोशिश करते हैं कि छोटा रखें. फॉर मी शी इज़ होप, शी इज़ डिग्निटी, शी इज़ करेज, शी इज़ चेंज. जब लोग अपनी पहली फिल्म के लिए कोई रोम कॉम या कोई एक्शन या कोई कमर्शियल आइडियाज चूज़ करेंगे, शी वेंट अहेड एंड शी मेड एक है निगार, अ पेट्रियाटिक एंड एन इंस्पिरेशनल फिल्म. वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट हर इज़ हर हम्बलनेस, जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है बहुत दफ़ा. एंड द थिंग द वे शी कैरीज हर सेल्फ विद सच डिग्निटी एंड एलिगेंस जब वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, दैट इज़ समथिंग टू बी सो सो प्राउड ऑफ. आई थिंक आई डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ मच शी हैज़ इंस्पायर्ड मी टू ड्रीम अगेन. टुडे आई हैव द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ सिटिंग विद द आइकॉनिक मायरा खान, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? अटक अटक के कर लिया मैंने. यू कैन सी हाउ मच आई वॉज, यू नो, थोड़ा घबराई. थैंक यू, बिकॉज मैं चाह रही थी बड़े दिल से आए, लेकिन लंबी स्पीच हो गई तो वो दिल से टुकड़े टुकड़े होते हैं. नहीं नहीं नहीं, दिल से टुकड़े टुकड़े नहीं निकलते हैं. दिल से व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स फ्रॉम द हार्ट एंड यू इट्स रुक रुक के थोड़ा सा, यू नो, इट्स लाइक, बट दैट्स, यू नो, दिस इज, आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव बिकम ओल्ड. व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम गेटिंग दीज सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शंस. आई लव इट. I'm telling you, I love it, but I've also no, you have not become old. No, but आप उस जगह पे पहुंच गई हैं जहाँ you are described in such words. It's, you know, this is very very kind of you, and for you to say that you remind me of hope, that's बहुत बड़ी बात है. कल मैंने एक बड़ा जज्बाती सा मैसेज भी किया था. क्या मैसेज था? वो बड़े दिल से मैसेज था. I swear, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, you know, reply क्या करूँ. And sometimes जब आपको इस तरह के messages आते हैं तो बहुत अक्सर हम वापस reply करके कुछ ना कुछ भेजते हैं. But I was like, no, I cannot. This is the moment where I have to absorb what she's telling me. So I was doing my research for Maya Khan and फिर कुछ बातें मैंने सुनी, स्पेशली द फैक्ट जो, यू नो, आपने दुआ की थी कि आप शाहरुख खान के साथ मूवी बनाएं, यू नो, एंड और बहुत सी चीज़ें जो आप, एंड आई सी यू अचीविंग ऑल दीज थिंग्स. एंड वरना आपने की वो वैसे नहीं आई जैसे हुआ, उसके बाद सात दिन मोहब्बत वो भी वैसे नहीं आई, यू नो, उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हुई, बट आई सी यू गोइंग ऑन विद सच करेज एंड सच डिटर्मिनेशन एंड आई डोंट सी यू फॉलिंग डाउन. तो आई वाज लाइक, ओह गॉड राबिया, तुमने ड्रीम करना बंद कर दिया है. दिस इज़ द लेडी हेयर एंड वो ड्रीम कर रही है, एंड उसने जो ड्रीम किया था वो मिल गया, एंड यू ब्रॉट मी बैक टू द स्टेज जब मैं बिल्कुल इम्पॉसिबल ड्रीम करती थी, यू नो. रियली? यस यस. व्हाट इंटरव्यू डिड यू वॉच? द आ खान वन? अ लॉट ऑफ, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट वंस. आपको पता है, यू नो, आई रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर the things that I've learned jaldi jaldi se and it was extempo. yeah, aur aapko pata hai ye maine abhi nahi suna tha, ye maine us waqt suna tha aur us waqt bhi maine kaha tha, oh my goodness, she, maine wo suna tha and you inspired me. so yes, you are making a change and you're inspiring. but I think you do fall, yaar. of course you fall, you have fallen many times. yeah, and kabhi kabhi it's an apparent fall. yeah, which is the public also is part of, you know, seeing you fall. mm-hmm. so it's very apparent. yeah. ke oh gir gayi, usko chot lagi hai, is, you know, yeah, hum isko dard ho raha hai. yeah, yeah. puri duniya wait kar rahi hai ki varna Shoaib Mansoor Mahira Khan aur wo bomb ho gaya. yeah, ye ho gaya, and you see it, or you know, some other stuff comes out and you're just like, the whole world is just looking at you. and then there are very personal falls which you can't see. ji राइट. तो आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं. मैं कभी भी नहीं करती, इवन ऊपर से कभी कभी, लेकिन मैं कर ही नहीं सकती. और अगर करना भी चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है राबिया के, आई डोंट नो, आई एम श्योर यू ऑल्सो अग्री विथ मी ऑन दिस, बट रियली वट कैन आई गिव और वट गुड विल इट बी इफ आई टॉक अबाउट very serious personal issues or personal problems that I've gone through. बिल्कुल बिल्कुल.
maybe one day in a book I can write yeah, it. Yeah. But you know, right now I'm not so itna brave nahi hu main. Nahi nahi, uske liye I think khud tayar hona padta hai. Aur sabse important baat jo mujhe lagta hai ki agar main expect karungi तो उसका एक मकसद होगा आपके लिए. बिल्कुल. अगर आप करेंगी बिल्कुल. तो आप सोचेंगी कि मैं ये कर रही हूँ क्योंकि उससे इतने ढेर सारे लोग ये सीख सकें कि माहिरा खान वेंट थ्रू दिस. यस एग्जैक्टली. एंड दिस इज हाउ शी स्टूड अप. राइट. सो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि माहिरा खान ऐसी एक कोई अफसुर्दा कहानी या सेंसेशनल वो करें. एंड यू नो दैट्स व्हाई आई शेयर व्हाट आई डू शेयर व्हेदर इट्स माय टाइम इन एलए और दिस और दैट. आई शेयर द थिंग्स वेयर आई नो कि आई होप जो देख रहे हैं उनको ये पता हो कि मैंने भी पोछे लगाए हैं, टॉयलेट साफ किए हैं. और वो एक जर्नी है. बिल्कुल. और आपको यू नो दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी दैट इट वन इट हैजंट बीन इजी बट दैट्स नॉट द पॉइंट. एक्चुअली द पॉइंट इज that it's a great thing that that happened. Yeah. You guys keep calling me humble, but how can I not be? Yeah. You know, when I've experienced, you know, this time where we used to go to, I don't know if I can say this, McDonald's, no. Haan, can bleep it out or I don't know. Nee, nee, aap bol de. You know, and we used to do the, you know, whatever dollar meal and share it between me and my brother. Yeah. You know, seher to, जस्ट अच्छा. अब आजकल क्या होता है, हम जब एयरपोर्ट पे अराइव करते हैं तो शी सेज गो टू द टॉयलेट, गो गो चुप जाओ, गो जस्ट गो, आई विल गेट द बैग्स एंड आई विल कॉल यू. अब मैं बेचारी बाथरूम में, मैं बाथरूम में तो होती हूँ मगर मजा ले कि मैं बाथरूम में वहां भी सुकून नहीं होगा. तो मैं कहती हूँ सर यू वांट मी टू गो टू द बाथरूम एंड टेक पिक्चर. एग्जैक्टली. बिकॉज और मैं जाती हूँ और फिर वहां एक यू नो लोग आ जाते हैं. सेल्फी से तो बेहतर दूसरी सेल्फी होगी. सहर चेंज योर प्लान स्ट्रेटजी. यू नीड टू कम अप विद अनदर प्लान. बट शी सेज के यार व्हाट डू आई डू, क्योंकि वो होता ही है कि वो कहती है प्लीज वी आर ईटिंग और प्लीज एंड देन when they look at me I'm like le le aap tasveer, main kaise mana karu yaar. and you can't blame them because I mean main aapko sir pe nahi chadha rahi hu but you are Maya Khan, we all love you, you know. No, thank you. So, but so just like aapko wo Shahrukh Khan ke saath feel hui thi na, wo isi liye jaise I'm sure you must be wanting ki main ek ek moment capture kar lu aur main ek ek you know aise I wish I had. Maine ek koi tasveer nahi li. Kyun ye sare log kahan the, seher kahan thi us waqt? Seher nahi thi na, koi bhi nahi tha. I was all alone there. Oh god. Yeah, that was a very lonely time yaar. I was all alone. In aap lekar nahi gayi thi ya allowed nahi tha ya kya hua? नहीं मैं लेकिन बहुत बहादुर बन रही थी उसमें. हाँ, I'll go, I will. नहीं मुझे पता आप शाहरुख खान को किसी और पाकिस्तानी के साथ शेयर नहीं करना चाह रही होंगी. क्या बात कर रही हो. आई थिंक मेरे जैसा कोई होगा नहीं. वो लोग भी कहते होंगे कि इनकी कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो आती हैं. डू यू नो आई टुक ऑल माई बेस्ट फ्रेंड्स गॉट टू मीट शाहरुख. इंसिया, नरू, सना, फीहा, एवरीबडी at different times. So they had come for little bit and so I was like ye mera sirf thodi khat tha, ye to hum sab ka tha. Of course. So whoever I could make meet my brother. Dosti to nibhani padegi na Maya. Ab aap jis position pe hain, it's been a long time. Theek hai, bahut cheeze change ho gayi hain. Jab aap gayi thi tab different tha status standing, ab Maya ka different status hai. अब अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ठीक हो जाते हैं और आपको ऑफर आती है शाहरुख खान के साथ दोबारा काम करने की, तो आप क्या अब एक्सेप्ट करेंगी? एंड शुड यू, गिवन यू आर फेस ऑफ पाकिस्तान नाउ. कीप आस्किंग. अभी तो स्टार्ट हुआ है. हां ये तो मेरा बहुत नहीं, बिकॉज़ आप मुझसे डिफिकल्ट. अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है. ओह अल्लाह, ये मुझे पार्टी नहीं लग रही. नहीं नहीं देखिए, मैं तो आज मेरी तो पार्टी ड्रेस्ड अप आई थी कि यू नो यहां ऑफ जरूरी है कि शाहरुख खान के साथ फिल्म हो किसी तो और के साथ. चलें किसी और के भी साथ. आई डोंट थिंक सो. ओके, बट विद शाहरुख खान यू विल थिंक फॉर अ मिनट. ऑफ कोर्स. अब यहाँ पे मैं थोड़ा हौला हाथ रखूंगी और हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, आप देखें इवन ये जो सीरीज हो रही है राइट, अजीब बात यह है कि जब मैं एक छोटी सी भी चीज़ एक इंडियन चैनल के लिए करती हूँ तो वहाँ एक आई डोंट नो क्या होता है. I actually don't know how they are okay with all other actors and actresses working on in their television shows and series, but not me. So वहाँ एक तहलका मचता है. फिर यहाँ एक वहाँ तहलका मचता है तो फिर यहाँ तहलका मचता है. And it's just like, भाई मैं क्या करूँ? If I want to do something different, that's happening on that side. Even though we're making it,
But an Indian channel is buying it. You see? True. And that is where I find it also confusing. Yeah. Sorry, I'm taking it somewhere else, but I have to say this. Ki it's so confusing. Rabia, socho, hame agar different content banana hai, right? Hame agar brave content banana hai, different content banana hai, ya phir sirf is tarah ka content jo ek director chahta hai, yaar main ye karna chahta hu, ya wo, ya actor chahta hai ki main ye karna chahti hu. वो हम कहाँ बना रहे हैं? इंडियन चैनल्स, इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए. इंडियन चैनल एग्जैक्टली, इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए हम बना रहे हैं. एंड आई, दैट्स सो सैड बिकॉज इट्स ओके, वी आई मीन इट्स ग्रेट बिकॉज आई थॉट चुरेल्स वाज ब्रिलियंट, एक झूठी सी लव स्टोरी, ऑल दीज, बिल्कुल. बट आई विश वी वर मेकिंग इट फॉर अ प्लेटफॉर्म दैट इज हियर. बिल्कुल. So this is something we should think about. Our movies cannot be aired, you know, put up over there. But our actors can be on their platforms, our series can be on their platforms. So it doesn't make sense. And for me, I feel like na main wahan ja sakti hu, na yahi kar sakti hu, na yahan kuch aisi cheeze hain jo aapko wo, you know, inspire kar rahi hain ya aapke andar wo kick. Just kabhi kabhi aapko dil chahta hai Prince Charming karne ka. Yes, of course. Yes. Kabhi kabhi aapko dil chahta hai Chudails karne ka. Yes. You know, because आप अपने अंदर एक और चीज टैप करने लगे. And look at the creative side of those projects. Right. How much, कितनी creativity थी उसमें. Exactly. जो भी आपका point of view उससे agree or disagree, you cannot deny the fact कि वो बहुत creatively and also curated freedom of expression. Expression, yeah. कि आपको ये मौका मिल रहा है that okay, you want to show, I don't know, you want to show people doing certain things. You're letting that happen. Yeah. And then of course aapki audience kahe ki nahi ye kharab hai ya ye theek hai. Yeah. So I think so coming back to India, it's a very very tricky thing for me. Yeah. And I've been offered most of these series. Yeah. I mean a lot of these series, not most, but and I'm like I don't know. Is it really worth? Exactly, main yahi soch rahi thi. It's not worth the bashing and the this and the that and the this. But I think with time maybe it'll get better. Inshallah. Umeed pe duniya kaim hai. Bilkul. Madhubala, Meena Kumari aur Madhuri, right? Teeno badi favorite hai aapki. Koi Pakistani actress ka naam nahi shamil hai isme. I'm asking this question. I'm saying I did it again. Nini, aage acha wala sawal hai. Acha, acha. भाई मैं क्या करूँ. देखिए जहाँ मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट. ओके, बात यह है कि और सच बात यह है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों पे और पुरानी इंडियन फिल्मों पे बड़ी हुई हूँ. सही बात है, ठीक है ना. हाँ. और एक्चुअली मेरा ऑब्सेशन फॉर ओल्ड इंडियन फिल्म्स, ब्लैक एंड वाइट, बहुत बाद में शुरू हुआ. ओके. मुझे ऐसा लगता था ये मेरी दुनिया है, मुझे यहाँ वापस जाना है. आई कॉन्ट एक्सप्लेन टू यू कि मेरी प्ले लिस्ट क्या है. और मैं क्या गाने सुनती हूँ जब मैं नहा रही होती हूँ. आई स्वेयर मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है. नहीं, वो भी पॉपुलर गाने भी नहीं है. अच्छा. दे आर लाइक एक दो के मदहोश हुआ जाए रे तेरा मन मेरा मन, ये इस टाइप के. तो मैंने भी नहीं सुना. एग्जैक्टली, बस जीत गई. एग्जैक्टली. तो आपको पता नहीं हाउ रियल दिस ऑब्सेशन, दिस एंड इट्स नॉट एन ऑब्सेशन, इट इज, यू नो, जब आप रिकग्नाइज कर लेते हैं कि क्या आपको सुकून देता है. तो मुझे कुछ चीज़ें सुकून देती हैं, जैसे सूफी कलाम मुझे बहुत सुकून देता है. आप द परवीन लगा दें एंड आई विल बी लाइक अ वर्लिंग दरवेश. ओके. एंड सिमिलरली आई लव ओल्ड इंडियन सॉन्ग्स, सो दैट्स व्हाई. माधुरी तो खैर बहुत बाद में आती है. मधुबाला एंड मीना कुमारी तो आई मीन हाउ कैन आई नॉट be obsessed with that. And you know, again another thing, so there was a time where we had to, where Sarah was like, you know, you must have gym jaane ki zarurat hai, healthy eating ki zarurat hai, and this and that, look at all these girls and this and that. And she's given up, everyone's given up, but she said, you know what it is with you, you are inspired by such an old generation of actors that this is what you believe an actor is, which is true. You know, जहाँ पे वो बॉडी इज नॉट डिफाइनिंग द. नो, आई जस्ट आई डोंट नो, आई कांट इमेजिन कि मधुबाला जिम जा रही हूँ. जिम गई थी कभी? ओके. मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके पास एक
आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल लेकिन बाबर तो मैं ये कह रही हूँ कि आई कान इमेजिन और ये सीरियस बात है जितना ये हंस लें कोई बात अभी हम सब वी वर ऑल या बट थिंक अबाउट इट ना मधुबाला गई होंगी ना मीना कुमारी जी गई होंगी हो ही नहीं सकता और मुझे मतलब जब मैं वो जिम के क्या होते हैं टाइट्स जो भी मुझे यू नो आई वेंट फॉर निगार इट्स लाइक दिस इज नॉट हाउ आई एम मेंट टू हैव अ माय डायरी माय पेन इंक पेन माय कैंडल म्यूजिक फ्लावर्स इन अ वाज आई डोंट नो आई लाइक दोस थिंग्स अब मैं क्या करूं नहीं नहीं कुछ नहीं करें आप ऐसे ही रहें वी लाइक यू एज आई लव दैट एंड आई लव हाउ दे how their performances were also I love how they sang their songs you know jo ek lip sync ka tarika tha wo expressions the aur phir Madhuri I loved when I was you know when I was growing up that was like I know Madhuri now talking about Pakistani actresses I think my era was such so I watched Tanhaiyan and Ankahi so I enjoyed Shehnaz Sheikh's performances and Mareena Khan and I even remember Huma Nawab in those days I remember as a child an image of Huma Nawab wow main unko kehti maine kaha umma ji aapko yaad hai ek tha jahan aapke yahan she's like yes how do you remember I said I have an image of it so kitni achi yaadasht hai aapki nahi nahi bahut buri hai kuch kuch yaad hai kuch kuch yaad hai to ye jo jin ye jo teen actresses ke humne bhi naam liye unse aapne kuch uthaya apni acting mein kabhi aap use karti hain inspiration kuch hai jo because when you love somebody the way you love them the way you are inspired by them or you know to hota hai it's not like copying but you like it and you like I want this to be part of me kuch hai but I don't know I don't know I do know that jab main sadke kar rahi thi to I brought in a little bit of Madhubala in a way that you know where her eyes would just light up and she would have these you know expressions which were very innocent but also very they were very sweet so wo main dala you know dala kyunki main chahti thi ki Shanu lage jaise wo is duniya ki nahi hai yeah I don't know why lagti thi thodi thodi haan uska jo jo uski ek wo jazba tha na I just wanted ke her or like she should almost be like she didn't belong to this this world so I don't know why I always wanted because even when I would jab maine padha tha to maine kaha yaar kaun hai you know वैसे वो रीबाउंड ड्रामा था आपका हाँ फिर भी शानू से इतनी मोहब्बत हो गई दिस आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ये बहुत अच्छी वैसे आपने बात की है हाँ बिकॉज आपने बोला एंड मैं सुन रही थी मैंने कहा आउच सत्य तुम्हारे रीबाउंड ड्रामा फुल रीबाउंड फ्रॉम बिनरॉय ओके बिनरॉय वाज यू नो दैट फर्स्ट लव रिलेशनशिप then it became toxic and then there's you know a huge breakup and we got back together and that and then I was like you know what I'm done I'm going to have a summer fling yeah and that was satke tumhare that was satke tumhare but yeah but yahan mohabbat ho gayi ha bilkul sahi keh rahi hain kya karti nahi nahi understand I'm not the fling type na hua ye mujhe laga koshish ki aapne lekin maine koshish ki ki main कुछ ऐसी उठा लूं और ऐसी एक्टिंग कर लूं बट आई कुडंट नहीं हुआ नहीं हुआ और क्या लिखा हुआ था सो आई वाज लाइक तो डायलॉग्स उफ क्या डायलॉग्स एक्टिंग और फिर परफॉर्मेंस इट वाज जस्ट अब एहतिशाम भाई और पूरी कास्ट समिया मुमताज रेहान शेख अदनान कौन नहीं था और क्या क्या याद है आपको कितना मतलब क्रेज था मुझे याद है एक रात को वो लोग भाग जाते हैं दोनों एंड दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिर वो वापस आ जाती है कि माँ शायद धमकी देती है कि वो मैं खुदकुशी कर लूंगी एंड यू नो आई एम सिटिंग लाइक मत जाना प्लीज बचा ले यू नो सो इन नॉट जस्ट मी आई थिंक जो भी देख रहा था वो इन इमोशन से गुजर रहा था बिल्कुल बिल्कुल बहुत आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल इट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली रिटन डायरेक्टेड और बहुत मजा आया उस शो पे जी बताएं रफी का कौन सा फेवरेट गाना है आपका सेवरल जो गुनगुना सकें आप नहीं यार थोड़ा सा तो अभी इतना अच्छा गाया था नहीं वो मुझे लग रहा था कि वो आउट ऑफ ट्यून था कोशिश करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट रफी सॉन्ग्स
इज हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए. कोशिश कर नहीं नहीं. अच्छा टेल मी मायरा, कितना प्रेशर है बीइंग द फेस ऑफ पाकिस्तान कि कुछ चीज़ें जो आप करना चाहती हैं या कुछ चीज़ें जो आप पहनना चाहती हैं बट नहीं कर सकती है, नहीं है, कितना है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? नॉट रियली. नहीं? नो. ओके. आई एम क्वाइट इन माई ड्रेसिंग, आई माई सेल्फ एम क्वाइट कंजर्वेटिव. पता नहीं क्यों. आई मीन आई हैव लिव्ड अब्रॉड ऑल माई लाइफ. And if it's summertime, I'll put on a dress. I'll wear I can wear shorts and a t-shirt. Yeah. But it's mera, I don't know, mera usual like style is a bit conservative bachpan se. Nahi nahi, it's okay. Mera sawal tha, do you feel it? Okay. No, I don't feel. I don't feel. Which is great, I think. Aur matlab hum logo ko dekh ke lagta tha ki ha maybe pressure feel hota hai. So it's good that you're sharing taki jo log us raste pe ja rahe ho unhe ho ki nahi ऐसा नहीं है, हम हर बार हर किसी के लिए नहीं है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ आई मीन मेरी अपनी ऑडियंस भी ना, वो उनको नहीं अच्छा लगता. मैं इतने से भी एक फीट कटांग दिखा दूं तो वो कहते हैं ये क्या कर दिया, यू नो. सो आई एम अ लिटिल अवेयर ऑफ दैट, बट दैट डजंट मीन आई थिंक अबाउट इट टू मच. या या और यू नो कुछ अपना. अच्छा, यू हैड आई मीन अच्छा करियर रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था एज एन एक्टर आपका? था कोई चैलेंज तो शुरू से ही आपका? ठीक है, वो पहला मेरी जवाब वाला अगर हम ले लें ड्रामा, वो थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन है, लेकिन उसके बाद हम सफ़र, फिर यू नो एक लाइन से आ रहे हैं बोल एंड ऑल दैट. व्हाट हैज़ बीन योर चैलेंज? आई थिंक माय चैलेंज हैज़ बीन एंड मे बी ऑलवेज विल बी इज टू सॉर्ट ऑफ, वन वॉज ब्रेक थ्रू दिस इमेज, यू नो, just being the pretty girl or whatever, you know, ke talent hai sirf khoobsurati nahi hai. Yeah, so ye bahut feel hua aapko? Matlab ha, sunne ko milta tha. Kind of actually till I was doing dramas I got amazing, I mean I was given a lot of love and a lot of critical acclaim as well. I think it is when I switched to films, jab aap ड्रामे छोड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस क्योंकि ज़्यादा फिल्में नहीं देखने जाती. सो देन दे आर सीइंग यू एंड दे लाइक वेट बट वेर इज शी, व्हाट हैज शी डन, यू नो. सो आई फील दैट्स आल्सो अनदर थिंग. बट आई थिंक जो मेरे लिए शायद एक चीज़ चैलेंज रहा है वो ये है कि क्योंकि जब आपको इतनी जल्दी एक यू नो सक्सेस मिलती है और इतनी जल्दी यू नो एक पेडेस्टल पे बिठा दिया जाता है तो आपके पास ट्रायल और एरर का मार्जिन नहीं रहता. ओके. एटलीस्ट आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ओ गॉड मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, और आप एक्चुअली मिस्टेक्स करने के लायक नहीं होते. लाइक आई कांट एक्सप्लेन इट. सो आई डोंट विश कि मेरी एक और जर्नी हुई होती, मगर आई डू थिंक कि अगर मैंने बहुत सारे ड्रामे किए होते और उसके बाद कोई यू नो 10वें या 50वें ड्रामे के साथ मुझे सक्सेस मिली होती, तब तक मैं एक बहुत बड़ी मंझी हुई आर्टिस्ट होती. डू यू गेट? आई गेट इट. सो माय फर्स्ट फ्यू ड्रामास एंड माय सक्सेस आर टुगेदर. आपको चांस नहीं मिला कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट और ज्यादा करती हैं, गलती करती हैं, और फिर वो प्रेशर भी आ गया कि इतना अच्छा दिया अब आगे अच्छा ही देना है. यू कांट फेल. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड आल्सो आप जितना यू नो एक्टिंग लाइक एनी अदर प्रोफेशन, दैट्स समथिंग आई वुड वॉन्ट टू टेल ऑल द यंग एक्टर्स. बिकॉज पहले मैं हमेशा कहती थी जब मुझे यंग एक्टर्स आते थे ना कि आप एडवाइस दें, मैं कहती थी से नो, यू नो डोंट डू अ लॉट ऑफ वर्क. आई थिंक आई एम रॉन्ग अबाउट दैट. यू नो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इट्स लाइक टेनिस, इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन, यू नो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे जितनी चाहे आप यू नो इट्स आप मंझते रहते हैं आप लर्न करते रहते हैं एंड दैट्स वाई विद एवरी पासिंग थिंग यू बिकम बेटर. Yeah. So I think that's another thing maybe I would have done because I was younger then, you know. I could do it. Yes. Aur wo but jo bhi hua that's my turn. और अच्छा उसी को लेते हुए आई सी कि जब हमने लास्ट सुपरस्टार में आपको देखा था, ठीक है, फिर वो ब्रेक आ गया, फिर अब हम आपको देख रहे हैं. बिल्कुल. उस वक्त भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, यू वर ग्रेट एज एन एक्ट्रेस, लेकिन
अब जब मैं देखती हूँ ना मायरा, और मैंने एक शायद अपने किसी एक रिव्यू में भी बोला था कि मुझे लगता है जैसे एक इट्स अ डिफरेंट मायरा, लाइक देयर सो मच टैलेंट नाउ, देयर सो मच मैच्योरिटी, लाइक मुझे आपके एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा मंझे हुए लगते हैं, एक्सप्रेशंस इतने सॉलिड लगते हैं. तो मैं हुआ कुछ इन सालों में, डिड यू डू समथिंग या ये ऑटोमेटिकली हुआ कोई? आई डेफिनेटली फाइंड कि यहाँ था तो ये चीज़ यहाँ आ गई. रियली थैंक यू. द लास्ट अभी ये जो हम रिसेंट इस साल आपके हमने जितने भी प्रोजेक्ट देखे फ्रॉम प्रिंस चार्मिंग तो वॉज अमेजिंग. आई वॉज लाइक वाओ, यू नो हम कहाँ के सच्चे थे, हमें आपने क्या कितनी वैरायटी दी है. देन एक है निगार, यू नो आप देखें उसको. सो मुझे सिर्फ क्यूरोसिटी हो रही थी कि इन बिटवीन क्या हुआ. कभी कभी होता है ना आर्टिस्ट खुद से कुछ सोचते हैं, दे मेक अ चेंज इन देयर माइंड. नो, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल. आई थिंक यू नो नदीम बेग ऑलवेज सेज, ऑलवेज ही इज लाइक तुम मेरे हाथ तो लगो. सीरियसली. अच्छा. ही सेज यू आर अनटैप्ड. Okay. इस जिस तुम में जो जितना है वो किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया. आई एम लाइक अब मैं मतलब दिस इज लाइक आई वर्क्ड विद सो मेनी अमेजिंग डायरेक्टर्स. बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से नदीम बेग? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बट आई थिंक फारूक रेन ने पकड़ लिया पहले. दे ऑल एक्चुअली दिस ईयर आई थिंक एवरीबॉडी सॉर्ट ऑफ गॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी. बट एक्चुअली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक अ सुपरस्टार, यू नो इट्स अ कमर्शियल फिल्म एट द एंड ऑफ द डे. सो इतना ज़्यादा उसमें यू नो कि आप यू लुक लाइक अ हीरोइन आल्सो, यू नो. एंड इवन दो देयर वर मोमेंट्स ऑफ वेयर आई थॉट यू नो व्हिच वेयर आई गिव माय ऑल, इनफैक्ट एवरी मोमेंट. ऐसा कोई सीन नहीं होता जहाँ मैं नहीं मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रही आपको उस बात पे. लेकिन आई थिंक यू नो दैट्स डिफरेंट, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर. विथ हम कहाँ के सच्चे थे, मेरा एक था कि मेरीन शुड लुक लाइक अ मेहरीन. मतलब मेहरीन मंसूर का मेरा एक बड़ा एक क्लियर वो था. वो आपने कर दिया हमारे जहनों में. वो ग्लासेस, वो है, वो गुस्सा, उसकी नाक पे गुस्सा होना, उसका इमोशनल भी एक नाराजगी के साथ होना. दैट आई वॉन्टेड एंड आई डिड इट. बट इफ यू आर आस्किंग मी इफ आई रियली लाइक थॉट अबाउट इट एंड वर्कड अ लॉट, That's good. It was just because I'm one of those like I'll go and I'll do a scene and then I'll be like ha ha hee hee. पता नहीं क्यों. नहीं अच्छी बात है. मैं तो सिर्फ सोची थी as I explained कि कभी-कभी होता है ना, because बीच में एक time gap आ गया था. कि उस gap में कुछ हुआ हो जिससे you know there were some changes that happened. But Maybe personally, I matured in life. Or maybe you just got the right role. Maybe. Yeah, it could maybe. Be anything. And as you said, Superstar was very commercial. So, फ़र्क है ना हम कहाँ के सच्चे थे और सुपरस्टार. बिल्कुल, बहुत फ़र्क है. So, yeah. और हम बहुत अरसे बाद आपको देख रहे थे तो शायद इसलिए भी हम लोगों को ये फील बिल्कुल, हो रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. Naya is a single mother who is also a big face celebrity. क्या आपका चैलेंज रहा है अब तक, और व्हाट इज़ वन थिंग जो आपको फ्रस्ट्रेट करती थी या अभी भी करती है? व्हाट्स फ्रस्ट्रेटिंग इज़ द टाइमिंग्स समटाइम्स. ओके. बट टू बी ऑनेस्ट अगेन, अभी मैं जो कह रही थी ना कि मैंने काम नहीं किया, राइट? तो उस इसीलिए नहीं किया एक्चुअली. इफ आई डिडंट हैव अ चाइल्ड एंड आई वाज यू नो अ सिंगल वुमन हु डिडंट हैव अ चाइल्ड, then imagine I would have done more work actually. I would have done much more work. Main jab I remember main abhi hum kahan ki shoot jab kar rahi thi, maine kaha Kubra how are you doing this, aren't you tired? And then I thought why should she be sitting at home? Yeah. You know she should be working. Main bhi yahi karti. I would be working. That's what you do, right? Aap ek project khatam karte hain fir dusra project lete hain, ya in between you know do projects saath mein kar rahe hote hain. Sahi baat hai. That's something that but I don't feel bad about that, one. Of course, yeah. Secondly, nothing has frustrated me so much when it comes to this and my career. Not really. Maybe now, maybe as he's growing up, I'll be very upset if he goes and reads something. Yeah. Toh mujhe hoga. Challenge hai woh. Uh-huh. Wo hai. But otherwise, I think the fact that, you know, his father and their family and my family, ek to we are completely on mashallah the same page when it comes to Islam, mashallah. And even when it comes to me, yeah, you know, good. Yeah.
सो मतलब कि जब मेरा कोई वो इंटरव्यू आता है तो अजलान दादा विल कॉल मी. दैट्स सो स्वीट. हां हां, आई एम वेरी क्लोज टू देम इवन नाउ, क्योंकि घर में बड़ी हुई हूं लिटरली. तो सो वाह भाई मायरा क्या बात है, वेरी गुड एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज माशाल्लाह माशाल्लाह. इट टेक्स वर्क, it takes swallowing your pride at times, it takes trying to understand the other people, other person, and then for your child's sake you do it. And if you are lucky that two people from both sides are good and they are looking at the child's well-being and true happiness, then they'll work for it. Phir bitterness ko aap bhool jate hain. Bilkul bhool jate hain. But mushkil tha. मुश्किल तो था. एक्चुअली आई डोंट नो, या आई डोंट फुली डील विद एनीथिंग एंड आई थिंक दैट्स समथिंग आई प्लान टू वर्क ऑन दिस ईयर. यू नो इट इज ओके, व्हाई डू हैव टू डील विद इट? यू डू यू थिंक? अब तो इतना टाइम भी हो गया. नहीं, इट डजंट मैटर. आप एक्चुअली आप बट माय क्वेश्चन इज कैन यू रियली एवर डील विद इट मायरा? यस आई थिंक सो. I think ke jab whatever traumas that you've gone through right in life, which let's say I'm talking about myself, I feel ke I've never dealt with it. Ye hua, kaam pe gayi, ye kiya, azlan ka kiya, amma abba ehsaan ye wo. Never have I ever sat down and thought ye sab kya ho raha hai, itni badi badi cheeze ho rahi hain, ho kya raha hai, you know. सो वो ब्रेक डाउन करने का भी मौका नहीं मिला, ग्रीव करने का मौका नहीं मिला, हील करने का नहीं मौका मिला. मिला नहीं, आपने दिया नहीं? मैंने दिया नहीं. सो आई थिंक, और हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने, हम कहते हैं मुझे नहीं याद. लेकिन ठीक है, आप शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपकी बोन्स और आपके खून और आपका दिल, they store all kinds of trauma. Yeah, true. So you remember it, you know, and over the past few years I've developed this muscular issue, and I'm dead sure ye usi wajah that it's because you know my body said, well, you're not going to deal with it, but I'm dealing with it and I'm asking for help. So you know, so I really feel this, and I've started already, and I think therapy is very important. And yeah, I'm trying to resolve all those past traumas. I think it's important. I think ये बड़ी important बात आपने बोली है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन इस चीज़ से गुजरती हैं. आपको ये सुनते हुए कि it's important to face them, and if you need therapy, you can do it, and it's okay to feel के if you're not ready to face them, move on, but at some point it's in time you feel not okay. Firstly. Perfectly said. Yeah. And दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, I wish मैं पहले थेरेपी शुरू कर देती. आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड. आई मीन ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट. बिल्कुल. मगर एक्चुअली वो एक घंटा एक साउंडिंग बोर्ड होता है जहाँ आप एन अ गुड थेरेपिस्ट ना मेक्स यू इज लिसनिंग एंड देन आस्क द क्वेश्चन वेयर. बिलीव मी रावे, मुझे ऐसा लगता था मुझे तो कुछ नहीं याद. मुझे तो याद ही नहीं. वो मुझसे पूछ रही है कि ये बताओ ये. नहीं, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे याद ही नहीं आ रहा. एंड एकदम से उसने जो मुझे चीज़ें पूछनी शुरू की, माई आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माई ब्रेन लाइक इट वॉज लाइक अ मेमोरी लाइक बैक टू द पास्ट काइंड ऑफ थिंग. इट वॉज जस्ट अ वेरी स्ट्रेंज. दोज सेशंस वर रियली रियली स्ट्रेंज इन अ गुड वे. लेकिन दे हेल्प्ड मी बहुत सारी चीज़ें. आई कुड मेक सेंस ऑफ इट. जब आप एक्सेप्ट करते हैं, यू हैव टू मेक सेंस ऑफ इट, देन एक्सेप्ट इट, एंड देन एक्चुअली यू कैन लेट गो ऑफ इट. अदरवाइज इट्स जस्ट गेटिंग स्टोर्ड ना. ट्रू. इट्स जस्ट गेटिंग, इट्स अ प्रोसेस. राइट. द अदर थिंग इज, मुझे नहीं लगता एवरीबडी अनफॉर्चुनेटली हैज द प्रिविलेज ऑफ थेरेपी. दैट्स ऑल्सो ट्रू. There are, I mean, I hope I can say this through your platform. Please do. But there are places which provide free therapy. जिन लोगों को, जो लोग, because again, फिर से मैं ये emphasize कर रही हूँ कि I don't care कि आप के माँ बाप या दादी दादा क्या कहते हैं इसके बारे में, मगर ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं. और
ये हम लोगों के लिए प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि वी आर लिविंग इन द टाइम्स जहाँ हमें अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ की, राइट? और अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मा अब्बा के पास ही वो वाली यू नो अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त. सो यू कैन डू इट, एंड इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट देन देर आर प्लेसेज दैट यू कैन कॉन्टैक्ट. देर इज अ प्लेस कॉल्ड रूबरू वेर यू कैन गेट वेरी गुड थेरेपी, एंड यू नो फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट यू कैन डू इट फॉर फ्री. हम इंशाल्लाह उसका लिंक नीचे डाल देंगे. आई वुड लव दैट, दैट वुड बी ग्रेट, ताकि ये हेल्प हो सके और जो भी उनको अप्रोच करना चाहे वो ज़रूर कर सके. एंड आई एम सो ऑनर्ड मायरा कि आप इस टॉपिक पे बात कर रही हैं. आई वाज नॉट श्योर कि हमारा कोई प्लान भी नहीं था इस डायरेक्शन में जाने का, बट आपने खुद ये बात की. सो एंड अगेन आई कीप सेइंग इट कि इट इज़ नॉट टू कि हम खुद के पर्सनल चीज़ें आपकी निकाल रहे हैं या उसको सेंसेशनल. आई जस्ट फील जिस तरह मैं आपसे इंस्पायर हो रही हूँ, बहुत सी औरतें ये देखें उनको हिम्मत बंधेगी और उनको होगा कि हाँ शी इज़ गॉन थ्रू, शी इज़ डूइंग दिस, तो मैं भी कर सकती हूँ या मुझे ये करना है. कभी लोग लॉस्ट भी होते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है. सो सिर्फ इन्हीं वजहों से हम बात करते हैं. बिल्कुल. और आई गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल. या वी ऑल डू, वी ऑल डू, एंड वी कनेक्ट एंड वी फील कि हम इतने अकेले नहीं हैं क्योंकि समबडी एल्स हैज आल्सो गॉन थ्रू द सेम थिंग. एंड आई थिंक ओनली पीपल हु हैव गॉन थ्रू समथिंग मे बी वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप कनेक्ट करते हैं, विच कुड बी लॉस, विच कुड बी यू नो फेलियर. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपको हिम्मत बढ़ती है यू नो कि अच्छा उसके साथ वो, तो अगर मेरा बिजनेस आज ठप हो गया तो इट्स ओके, आई कैन खड़ा हो सकता हूँ. एब्सोल्युटली. आई मीन आई वॉच सो मैनी ऑफ दीज ओपरा सेशंस बाय द वे विद हाँ ऐसी खाना खा रही होंगी एंड देयर आर ऑल दीज यू नो हीलर कभी होगा, कभी कोई साइकियाट्रिस्ट होगा, कभी कोई कुछ होगा. एंड आई एम लाइक ओके ये चीज मुझे समझ में आ गई, ये चीज मैंने क्लिक कर ली. यू नो आई सॉ दिस थिंग एंड्रू गारफील्ड हुज एन एक्टर अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था अबाउट ग्रीफ. ओए होए क्या वो उसने बात बोली थी उसमें. एंड इट वाज ड्यूरिंग माय नानीज टाइम. मैं देख रही हूँ रो भी रही हूँ मगर इट हिट मी how to celebrate while grieving. Oh, wow. It was beautiful. So yes, you're absolutely right. Kitna different concept hai ye. Kitna ye different concept. Main to kabhi socha bhi nahi. Yeah. Is it easy to fall in love again? Aapki expression sahi. Main nahi kaha matlab kya karu na mujhe sawal wapas le lu. Rewind. Take it back. Dar lagta hai. Lagta hai na. मूव ऑन करेंगे आप बात करेंगे इस पर. या स्कैरी आई डोंट नो. इज़न्ट इट यू डोंट यू फील स्कैर्ड. इफ आई वर इन योर पोजीशन आई वुड बी वेरी वेरी स्कैर्ड. या आई वुड बी स्कैर्ड इनसिक्योर. एंड क्योंकि जब एक दफ़ा आप किसी चीज़ से गुजर चुके हो फिर आपको उस डर लगता है उसी चीज़ पे. इट टेक्स टाइम. मैं मायरा थोड़ी हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ. नहीं नहीं नहीं, मगर यू आर जस्ट अनदर वुमन हु इफ आई आस्क्ड यू यू नो वुडन्ट इट बी स्कैरी फॉर यू टू इमेजिन गेटिंग यू नो. बट मुझे ये भी लगता है कि होप भी होती है. हाँ मुझे लगता है ये होप भी होती है कि एक तरफ डर भी लगता है एक तरफ होप भी होती है कि हाँ वाई नॉट अनदर चांस. ओके टेल मी अजान आपका काम देखता है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा, कभी कोई कमेंट किया हो उसने? हाँ हाँ मौला जट. क्या कहा? ओह दैट वाज रियली कूल बट दे कुड हैव डन दिस बेटर एंड दैट बेटर. ही वॉच्ड अ बिट ऑफ निगार, रियली लाइक्ड मी इन निगार. ही हैज वॉच्ड रेज. अच्छा एंड दैट्स इट. ओके ही थिंक्स आई डिजर्व एन ऑस्कर बाय द वे. ही इज राइट. सो वी कांट. मामा यू like yeah this is just you, you're biased. Yeah. You're biased. He's like no I like tumne dekha kya hai bhai. But usne do badi important cheeze dekhi hai. He wants to be a writer and a director. Wow mashallah. But he's a really good actor. So, and tomorrow is his play. Okay he's playing the main guy. Loki. तो आप क्या करती हैं जब देख रही होती हैं? So, are you that crazy mom जो उधर से खड़े होके जोर-जोर से and embarrassed? I am that one. अच्छा बाय द वे वो मेरा एक्चुअली मजाक उड़ाता है. ओके बिकॉज जब अगर वो घर से बाहर निकल रहा है तो मैं कहती हूँ अजलान 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 एंड देन आई एम डूइंग दिस यू नो एंड ही इज लाइक आई वाज लाइक अजलान दैट्स नॉट राइट इट्स नॉट राइट. ही इज लाइक मामा व्हाई कांट यू जस्ट इट्स सो आई एम लाइक जस्ट लीव इट लेट मी डू दिस. सो आई एम दैट मॉम.
That's nice. That's so sweet to hear, you know. Yeah, but of course, matlab I'm just like, Alamiya ye sab theek chala jaye, ye acha kar le inshallah, inshallah. And he's, bhai, he's mashallah 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 kal unka hai, din to I hope inshallah bahut acha hoga, bahut acha hoga. He'll excel inshallah. So does he practice with you? Yeah, he rehearses with me. Phir aap usko deti hain feedback, le leta hai ya kya? Haan, bilkul deti hoon feedback, but he's very good. His father was also, by the way, very good, like he used to do theater in school. तो वो उसके साथ बहुत प्रैक्टिस करता है एंड देन एंड विथ मी इट्स रियली फनी बिकॉज़ ही विल बी लाइक मामा कैन यू मेक दिस वॉइस और दैट वॉइस यू नो द लोकी वॉइस एंड एंड आई एम लाइक मुझे तो मधुबाला और मधुरी की आवाज निकालनी है नॉट लोकी ओहो उनको कुछ उनको वो नहीं समझ पाए जीरो नहीं नहीं उनको इंडियन गाने ये वो पाकिस्तानी कुछ नहीं जीरो zero but yeah but usko bolo beta but he knows who an anthony hopkins is ah yeah he knows who choice achhi hai jack nicholson sab pata hai bas sahi direction mein bachcha yeah, yeah. Right? yeah yeah your one wish for him I have it written down you know in my phone you do I do wow yeah kis waqt likha aur kyun likha because when I got covid I thought I'm dying okay this is serious you making me laugh I swear, I wrote You're a will. You're such a drama, Myra. I am a drama. Yes, I am. आपने कितना तंग किया होगा लोगों को घर में I can imagine. नहीं 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 मैं मरने वाली हूँ. नहीं 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 अच्छा नहीं मैं वो वाली नहीं हूँ. अच्छा फिर मुझे ये तो no alone in my head. Oh God. हाँ I was all alone. I take all of that. Yeah. I swear I don't. I was alone in the room. You know nothing. I didn't ask for anything, but I thought one day I'm going. मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें लिख दूँ. फिर क्या किया? Allah, you have to read that. Khair, okay, it's please, hilarious. Please. But I don't know. My wish for Azlan is that I wish for him to be a brave man, brave in a way that he speaks the truth, even at the cost of himself. I wish for him to be a kind man, but not at the cost of himself. What a beautiful wish it is. Yeah. Yeah, I just thought of that. It's very very nice, yeah. And I can see that wo dil se aa rahi hai, you know. No, because I'm just thinking, you know, ki yeah, I want him to be bravery at your own cost is something, you know. Bravery at your own cost. Not everybody and being honest is right. Yeah. But sometimes because I've seen this in my life, kabhi kabhi you give too much and then you lose yourself. Yeah. I don't want him to do that. I want him to be a man who can live his life in this world, inshallah, long happy life, healthy life, inshallah, but also not be too attached to this world. Yeah, inshallah. Allah kare ki aapki duaein uske ameen, liye khair o afiyat aur aasani ke sath puri ho uske liye sare bachchon ke liye. Are you that kind of mom jo gaane ga ke thoda sa churati nahi hai bachchon ko, bacche churate, why are you doing this mom, you can't even sing? Are you that kind? Oh yeah. Haan, kya karti hain? I do a lot of things with him. He also bugs me a lot. Like how? I'll do a lot of things to bug him, but not too much. But I'll tease him about a girl. I know. तो वो स्टेज आ गया है ना, कितना एक्साइटिंग होता है. And I go, oh, you're going there. Haan. Okay. Mama, stop. No. We are just friends. No, but that's not nice. Haan. You know. And I'm like, no, but you're looking good. Yes. Brush your hair. Let me make your hair. You know, I'll do things like. मतलब बिचारी का पूरा स्टाइल खराब. Let me make your hair. So those kind of things. And he also does a lot of, you know, we have a mashallah say a very good relationship. वो आपका बहुत ख्याल रखता है मैंने सुना. कैसे रखता है? कोई एक अगर मैं थकी भी आती हूँ तो वो मेरे पांव दबाते हैं. How sweet. Mama. Oh God. I already love him. Mama. Yeah. और चलते फिरते. Mama. हालांकि लड़के थोड़े से रिजिस्ट करते हैं, यू नो, इस तरह अफेक्शन शो करने में. बिल्कुल बिल्कुल. मैशन का आइडिया कैसे आया और क्यों? व्हेन आई हैड आई थिंक व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज, आई एम नॉट श्योर, ड्यूरिंग माय एमटीवी डेज, आई एम नॉट रियली श्योर, टाइमलाइन इज अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ ब्लॉग. ओह अच्छा. बिकॉज उस वक्त यहाँ तो उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था ब्लॉग्स का, बिल्कुल भी नहीं था. मगर जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ ट्रेंड शुरू हुआ था. या सो देयर वर दीज ब्लॉग्स आई यूज्ड टू फॉलो. या
and I was like, oh my god, I'm gonna write these blogs, an anonymous blog. Pata nahi kya. Then I wanted to open up this thing called the closet. Okay. Where I wanted to sell things and pata nahi kya kya, you know, when you're young and all yeah, of that. Yeah. So anyway, time went by and ye kabhi hua nahi, you know, ye jo blog ka idea tha wo khwabon mein reh gaya. In fact, I did have a blog and it was called Soul Fry. Soul Fry. Yes. Okay. To wo kabhi matlab wo pata nahi kahan hai, kahin hai is universe mein. Okay, we're going to search it out. Yeah. So khair, time went by. My brother used to work at Tribune, but political side of it. No entertainment, you know. Abhi bhi, he doesn't know a lot of things that happen in Pakistan, at least entertainment-wise. Okay. Aur, he came to me and he said, remember, tumhe ye karna tha? Maine kaha. He's like, tumhe pata, there isn't a space where women can go. Where specifically women can go and, you know, like a forum, like somewhere where they can get inspired or talk about things which are very personal to just women. So what do you think about this? And I go, that's fantastic. Okay, we should have a, you know, we should have a site which should just cater to women. Chahe wo problems ho ya fashion ho ya beauty ho ya you know, knowing your rights ho, jo bhi ho. But it's all female centric. So that's how Mashin started, and and again I gave him the go ahead. Main kaha karo, chalo dekhte, you know. And it was amazing. We went live. We worked, you know, for it a lot. Me, Maha, who heads it, and Hisan, who's also heading it. Okay. So it's just the three of us. So aap kitna involved hai? Aap day to day activities mein involved hai uski? Main bahut involved hu. Really? In a way that time hota hai. नहीं, टाइम नहीं होता और नाराज भी होते हैं सब मुझसे क्योंकि मैं रिप्लाई करने में देर लगाती हूँ. बट आई एम कॉन्स्टेंटली, माई आई इज़ ऑन Mashin. एंड क्योंकि हालांकि यू नो कभी कभी इफ़ यू हैव द राइट पीपल तो वो हो जाता, वो बिल्कुल ठीक जाता है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फिर यू नो नोटिस करते हैं और आप कहते हैं ये नहीं या ये मुझे चाहिए. आप हैं इसे? हाँ. तो Mashin, आई एंड देन आई राइट इन द ग्रुप, who has put this up, and then stress aa jata. Brother is like, ye koi likhne ki zarurat nahi hai, you know, because obviously everyone's like just think kiya hota hai. So and it's nothing bad, it's just ki I want to know ye kisne ye coat lagaya ya ye lagaya ya wo lagaya, so that kind of thing. How's your relationship with your brother Hasan? Dosti hai? No one asked me this, isliye main puch rahi hu. बुली करती हैं आप उनको या वो छोटे भाई होने का फ़ायदा उठाते हैं, लाड उठवाते हैं, क्या क्या है? लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और मुझे लगता है Mashin में तो बड़े आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे आप दोनों के. मैं राइट और रॉन्ग? नहीं. नो? अच्छा. क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करने वाला इंसान नहीं है. अच्छा. मैं और वो बिल्कुल काम. लेकिन आई मीन बिफोर Azlan वॉज बॉर्न, he's actually the first love of my life. You know, the first child also, maybe first baby. First child. Halanki humme ek saal ka fark hai bas. But hum log ek saath bade hue, phir ek saath America mein the. You know, bada mujhe tang bhi kiya isne, bahut tang kiya. Kaise tang kiya hai, kya karte hain, kya nahi kiya? Partiyon se nikal nikal ke lana. Aur I mean, वो तो brotherly चीज़ें जो होती हैं. He was just a, you know, he was living the life. And I was a bit of a, you know, कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्या. So it was crazy. And then his best friend Siam also was with us. So imagine these, we were at three of us living in the same apartment. और ये दोनों मुझे कितना पागल करते होंगे. मगर Hisan specially, Siam तो फिर भी मेरा ख्याल कर लेता. मगर बात ये है कि मैं तो खैर उससे टूट के प्यार करती हूँ, मगर वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. एंड ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ समवन हु आई थिंक, यू नो, आई नेवर थैंक हिम व्हेन आई विन एन अवार्ड. इट्स ऑलवेज डेडिकेटेड टू अम्मा, अब्बा, Azlan, एक्टर्स. आई थिंक एट द एंड ऑफ माई करियर, इफ देयर इज़ वन पर्सन आई विल थैंक, इज़ माई ब्रदर. कैन डू इट नाउ. We'll take credit for that. Thank you, my baba. We are like, we actually were like best friends, like
you know, twins. We used to think together, think alike. Of course, we've become older, we've evolved. It's very different when you're also working with, your brother. I wouldn't recommend it. No. Even though if you have someone like Hassan, it's fine, you know. But I don't believe in siblings or even friends to work together. True. But then it's difficult sometimes. मुझे ऐसा लगता है काम should be calm, you know. आप सोचे बगैर कुछ भी बोल सकें काम के बारे में ना? बिल्कुल. आपको ये नहीं हो कि या बुरा लग जाएगा. बिल्कुल. हाँ. तो आप तो वो मैं करती हूँ लेकिन. It's not stopping you. Yeah. Because he knows. And he's just, he's always just supported me through life. Mm. And I hope that I've supported him through life. We both are each other's anchors, pillars. Yeah. Pillars. What does he call you? क्या बुलाते हैं आपको? माहिरा बुलाता है लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अरबियों की तरह उनको बा बोलते हैं. I swear, मुझे आवाज आती है. I am telling you, my best friend Sana, she till date calls me Bairu. Why? Because of Hisan used. Oh God. Every time he used. तब प्यारा नाम है माहिरा. माहिरा. हाँ. नहीं. You don't like your name? No, I'm not a big fan of my name. I love your name. Thank you. But I'm not a big fan of it. But he calls me Maahira. Okay. No, no, कुछ. नहीं नहीं क्यूट नाम नहीं नहीं कोई क्यूट नाम नहीं. कभी कभी बहन भाइयों में होता है ना, कभी कभी भाई चुराने के लिए भी बचपन में ना करते हैं. नहीं नहीं ही कॉल्स मी माहिरा बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू लिसन टू इट ही सेज बायरा. आई एम लाइक यू नो जैसी बकरा टाइप आवाज निकलती है उसके मुंह से. और बहुत स्लोली भी बात करते हैं और वो. एंड बाय द वे वी लाफ लाइक ईच अदर. ओके ओके. सो इफ यू एवर आर इन द सेम रूम एंड वी आर लाफिंग, he to laughs like and I laugh like ah. So it's really funny when we're together. The combination. Our production mein chali gayi hai. And Can I say another thing about my brother? Please. Again, like your family, kuch dekhte vekhte nahi hai na zyada. But ek hai nigar, hum sab ne ek saath dekhi. Okay. In fact, it's the last thing that my nani saw of mine. Okay. And बैठ के पूरा सब हम सब बैठे हुए थे. मेरी खाला who is one of my greatest inspirations and my biggest critic and fan. Okay. My mother, my nani, Hisan, all of us. Yeah. Sherezad. Okay. वो भी थी. Sherezad जितना रोई है ना. अब आप सोच सकती हैं कि Sherezad जब वो एक को ना I swear to God, seriously? She has cried and cried and cried and cried. I'm like, what has happened? इतना तो मेरी अम्मा ने, अम्मा भी नहीं, कोई नहीं इतना रोया. जितना वो रोई. She got really inspired by seeing the drama. You know. Yeah. Who else was there? There were a bunch of us. खैर, हम सब एक साथ देख रहे थे. And when the credits started rolling, my brother had tears in his eyes. And he just looked at me, and those eyes, I knew those eyes. And he just was like, wow. Oh God, that's so nice. So jab wo mujhe kuch achhi cheez kehta hai na. That really means. Okay. Yeah. By the way, Sherezad is Dil-e Moments director also. Yes. Agar kisi ko nahi malum to confusion hum. Haan, main bhi yahan aa rahi thi. So she called me, she said, sorry. I'm like, yeah. She's like, hey. She's like, ye tum please jaake Rabia ko batana ke you are an actor because of me. Maine kaha main bataungi sabko ke Sherezad Sheikh ki wajah se mere itne expressions hain. Okay, chale bhi credit mil gaya aapko. She pushed me. She didn't push me. She just was a pivotal part of my journey. She has been a pivotal part. You want to share something? No. Okay. That'll be too long a kahani. But it's a very interesting, lots of interesting stories. Next session ke liye. And main yahan bhi ye bhi kehna chahungi ki wo tamam topics jo humne nahi cover kiye, wo aisa nahi tha ki hum nahi karna cha rahe. Isse pehle ki aap log comments mein start ho, we don't have the time, you know, we still have a lot to talk about. So inshallah Maahira will come again. Absolutely. In some time. Aur phir hum un sab cheezon pe bhi baat kar sakte hain. Maahira, aap production mein chali gayi hain. And ek nigar dekhne ke baad meri to umeedein bahut zyada yahan pe ho gayi hain ki hum कॉन्टेंट देखेंगे जो क्वालिटी का होगा, जो बहुत अच्छा होगा, थॉट प्रोवोकिंग होगा एंड प्रोडक्शन वाइज भी अच्छा होगा. क्या तीन चीज़ें हैं जो आपका एम है कि आप चेंज करेंगी इन द इंडस्ट्री थ्रू योर थ्रू मेकिंग कॉन्टेंट, बिकॉज नाउ आप इसी डायरेक्शन में है ना?
आई थिंक दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी पुट आवर मनी वेयर इट्स नीडेड टू बी पुट. ओके सो होता ये है कि हम, मुझे ऐसा लगता है जहाँ हम पैसे बचाते हैं उसी की वजह से हमें डबल पैसे बाद में देने पड़ रहे होते हैं बिकॉज कोई चीज़ ठीक से निकल के नहीं आती. राइट तो अगर आप लिविंग सिचुएशन, खाने पीने की सिचुएशन कंफर्टेबल करेंगे तो आपको वो दिखेगा स्क्रीन पे. राइट इवन अदर थिंग्स यू नो वेदर इट्स आर्ट वेदर इट्स कॉस्ट्यूम इनिशियली इफ यू कैन जस्ट पुट इन द मनी वेयर इट्स राइट टू पुट इन द मनी डिपेंडिंग ऑन योर बजट आई थिंक अ लॉट कैन बी रिजॉल्व्ड. ओके सो दैट सेकेंड इज प्री प्रोडक्शन which for some reason I think a lot of people don't do that. I've seen it now happen a lot, but it's like with Nigar, pata nahi kitne mahinon se hum log jaise kapdon pe to ye to wo har cheez ek cheez hamare paas hum kaam kar rahe the. So the trouble that we had was that jab hum wahan gaye to hours were crazy, even though they made it really easy for us, you know, logistically ISPR was on board and they were like, yes, we'll help you, AMC, everybody, CMH. Oh, but still 20 ghante hamare liye, you know, it became crazy. And the times, 70s, 80s, 90s, so true, more different stuff. It was a you know, so that way it was a lot of work. So pre-production, money where it should go, right? The third thing is I think we should start trying new writers also. I'm so glad to hear that. Yeah. Sawal tha, but time nahi hai. So I'm just going to put in my request. Bola. Auditions. I think. Oh yes. I think we need new faces. We do. Aapko pata hai for even for Barwa Khiladi, absolutely auditions. Yeah. I didn't know that people don't do auditions. Nahi, kahan hote hain auditions? Nahi, of course. Okay. Really? Yeah. भाई बारवां खिलाड़ी के लिए seeing the same faces now हमारे. You're right. So you're right. And huge apologies, and I have nothing against the social media stars जो अब आ रहे हैं, YouTubers हैं या TikTokers हैं, they have their own standing. But I mean it's very important कि हम auditions करें ताकि और लोग आ सकें और हमारे नया talent हो. Absolutely. और जिनके पास already एक platform है उनकी जगह और लोग भी आएं. भाई आप अगर you know you're absolutely right, but even with बारवां खिलाड़ी, even Shaveer auditioned. Yes, had to send in an audition. Wow, I am amazed and I'm impressed. You have to, and you have to see his audition. I am looking forward. Acha, okay. So, aap bheje hame? Shaveer, that would be interesting. Agar Shaveer mujhe bhejne dega, I would love to send it to you. Yeah. Because भाई वो पास हो गया था तो देर शुड नॉट बी एनी इशू. ही वाज ब्रिलियंट. एवरीवन ऑडिशनड. एवरीबॉडी ऑडिशनड एक्चुअली. फॉर निगार खुशाल ऑडिशनड. Wow. Okay. Yeah, and many others. Yeah. Many others. I'm so happy to hear that, Mayra. I'm really. And I don't mind auditioning either. Yeah. You know, hum karte nahi hain kyunki hame koi karne ko nahi kehta, lekin kal aapko, because you have to suit the part also, yes. You know. Yeah. I'm so glad to hear that, and general like public bhi aa sake aur udhar se hum log utha sake, so that would be another lovely step to do. Bilkul. Let's start with hum kahan ke sacche the. Basically, let's get to the point. Let's get to where we were meant to come all this while. Yes, this whole hour was spent. अब कैसे हो सकता है कि नहीं बात की जाए ना? बिल्कुल, of course. तो उसने शादी के लिए जब हाँ बोली थी मेहरी ने, was it out of love या उसको बस मशल को नीचे दिखाना था? क्या था? It wasn't. It was out of spite. Out of spite ना? मेरे दिल में था शायद out of मोहब्बत. नहीं देखें, मुझे लगता है मेहरीन को हमेशा से उससे प्यार रहा है. यस, फॉर श्योर. ऑल्सो बिकॉज दैट देयर वाजंट एनी अदर मैन अराउंड हर. यू नो, हम लोग जैसे बात करते हैं कजन मैरिजेस एंड ऑल, विच यू नो इवन माय ब्रदर्स लाइक यार ये तुम क्या, बट दैट्स बिकॉज वी डोंट नो दिस, बट मोस्ट फैमिलीज आपका सबसे जो करीबी मर्द आपके इर्द गिर्द होता है वो आपका कज़न होता है. एंड वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कज़न मैरिजेस, राइट? बट तो उसके लिए जो है असफद इज दैट मैन, द वन हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर फादर, द अदर मैन हु लव्ड हर अ लॉट. जो भी था, ड्रग एडिक्ट था,
इतनी सारी चीजें था, बाप तो था, मगर बाप था और बड़ा लविंग बाप था, डोटिंग बाप था, राइट? कि जब वो माँ लड़ भी रही है तो वो वहां से देख के उसको कह रहे, वो यू सी दैट इमेज एक बच्चे के लिए, दैट इमेज इज बिकॉज दे डोंट नो, राइट? सो फॉर हर अस्वद इज दैट, एंड सडनली ही इज नॉट द सेम एंड शी डजंट नो व्हाई. And she's also a very marine mein quality hai jahan uski bhi ego hai bahut hai aur wo usko bhi jaldi se lagti hai, right? To jab wo usko kehta hai ki suna hai tum ye kar rahe ho, wo kehti hai ki okay phir aap mashal se baat kar le, instead of kya keh rahe hain, kyun keh rahe hain, what are you saying, jo ki wo kehti hai thodi thodi der baad ya do teen scenes mein, but eventually she is just given up. You know, she's like, okay, if that's what you think, then that's what you think. So she does love him, but she says yes to spite her. है ना? 100%. लेकिन ईगो तो अभी आपने बोली मेहरीन की, लेकिन मुझे लगता है मेहरीन का भी कसूर है. उसने कभी भी किसी पॉइंट पे जब भी असफत की कॉल आती थी उसको कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया. बिल्कुल. Can we really blame असफत all the time? No, we can't. Yeah. And I feel that that मेहरीन should have. I mean, if I was Mehreen, I would have been like, hold on, listen to me, this is not true. But I also think that Mehreen and Aswad suddenly became adults. Okay. Okay, I feel, maybe I'm wrong. But suddenly, wo jo ek baat hoti thi, aur wo ek adolescence thi, aur, you know, email karte the, aur baat karte the phone pe, suddenly they became man and woman, you know. And there was an awkwardness. And you, I don't know if you remember, you see that awkwardness when he comes back. Yes. Right? Yes, and she saw ke mashal aur iska kuch ho raha hai. Kuch ho raha hai. And so she was like, okay, bas. Mujhe nahi, mujhe bahut dur rehna hai. Actually, Mehreen ka sabse badi cheez yehi to thi. She's an escapist. She used to escape. Yeah. You know? घर पे तकलीफ है, बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती थी. यहाँ से निकलना है, सफान इज द राइट गाय फॉर मी, यू नो. शी जस्ट वांट्स टू एस्केप दैट होम व्हिच वाज सो बैड. आई जस्ट विश दैट शी सेड होल्ड ऑन, दिस इज नॉट ट्रू, शी इज लाइंग, यू नो, शी इज अ लायर. शी डज से दैट दो इन सम इंस्टेंसेस ना, बाद में कहती है, बाद में कहती है, बाद में कहती है. तो मेहरीन के लिए कैसे प्रिपेयर किया और क्या क्या चैलेंज था? गुस्सा नाक पे रखा अपना, जो कि मुश्किल है. हाँ, एंड मज़े, मतलब मुझे इट डजंट गिव मी एनी सेटिस्फैक्शन. ऑफ कोर्स, या इट्स अ चैलेंज एक्चुअली. या नो, आई कैन गेट एंग्री लाइक अ पठान, बट हर वक्त ऐसे, बट यू नो, जस्ट टू कॉन्स्टेंटली प्ले दिस गर्ल हु इज बिटर एंड यू नो हु इज जस्ट लाइक रीजेस, यू नो, लाइक who do you you know, it's fake. Her pride is also to some extent fake. Yes, I hate to say this. Yeah. Her ego also to some, she has nothing, but it's a cover. She's actually a sensitive person, very sensitive. It's very sensitive. She's hurting, usko takleef bhi hai, usko dard bhi hai, usko gussa bhi hai, usko shikwa bhi hai, gila bhi hai, lekin usne ek cover banaya hua hai. And it's not real, because if it was real, it would not be there all the time. Yeah. You know. True. Yeah. So every time, वो चची या मामानी, sorry मामानी उसकी, कि तुमने electricity का bill तो ये और वो कहती है, you know, everything makes her angry. नानी भी जो कहती, it's not, she's reacting constantly reacting. Right. Yeah. And she's, it's not easy for her to show emotions. जो मुझे एक चीज़ फील होती थी, जो हम लोग बात भी करते रहे, कि अभी भी तो उसने डाइवोर्स मांगी है, डिस्पाइट गोइंग थ्रू सो मच, एंड उसके अंदर की कितने खूबसूरत तरीके से मेहरीन की स्ट्रगल दिखाई, कि उसकी एक साइड चाहती है वो सुसाइड कर ले, दूसरी साइड जिंदा रहना चाहती है, और वो लड़ रही है आपस में उसकी दोनों साइड्स, लेकिन इवेंचुअली वो खाला से कहती है कि मैं असफत से डाइवोर्स चाहती हूँ. फिर उसने साइन क्यों किया है? मुझे लगता है कि मेहरीन को शुरू से एक
स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया था डिस्पाइट वट एवर इंटरनल. वो गिरती थी वो खड़ी होती थी. फिर जब वो बीच का आया ना वेयर शी वाज नॉट स्टैंडिंग, मुझे लगा दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू द कैरेक्टर. आपको लगा ये? वेल आई रिमेंबर मैंने मेयर से एक दफ़ा कहा था क्यों ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग है फिर ये कैसे है, ये कैसे टूट गई. She said, Myra, लोग टूटते हैं ना. मैं कहा जी टूटते हैं. मगर वो टूट के गिरती खड़ी होती जा रही थी उसका. So now this is her point of standing. Now. So we all wish कि वो बस वो उस पे साइन नहीं करती. I think that's जो माफी मांग जो 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 वो झूठा माफी ना झूठा हल्फचर उठाया था. झूठा हल्फ उठाती है. But so okay so again maybe देखें कभी कभी हम भी गलती कर जाते हैं मुझे लगता है कि शायद हम कन्विंस या कन्वे नहीं कर पा रहे कि हुआ क्या. बट द वे इट इज मेंट टू बी इज दैट वो जेल गई. ट्रॉमा 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 हर होल लाइफ हैज बीन ट्रॉमेटिक. ओके बट शी इज फॉट थ्रू इट. वो हंसती भी थी अपनी दोस्त के साथ सफान के साथ बाहर भी जाती. आई नो शी वाज फाइन. या बट दैट्स व्हाट वी लव्ड अबाउट महवीन राइट. बट दिस इज व्हाट टुक हर डाउन. ओके राइट इट टुक हर डाउन बिकॉज जो इंसान 7 दिन जेल में और कोई उसको पूछने नहीं आया वो तो उसको आपको तो पता चल गया. सो दैट्स व्हाट कॉज्ड हर फॉल द फर्स्ट सेवन डेज देन शी बिकेम सॉर्ट ऑफ लाइक आई डोंट नो इफ यू नोटिस इट बट आई ट्राई टू ऑल्सो प्ले इट इन अ वे वेयर शी इज काइंड ऑफ नम. या ओके यू वॉन्ट मी टू डू दिस ठीक है. यू वॉन्ट मी टू मैरी दिस ओके. It's like okay, you know, kind of like. And कभी कभी इन places आप मेहरीन को देखेंगे पुरानी वाली जब वो कहेगी मैं नहीं करूँगी या रिमोट डालें वो आप देखेंगे. बट अगेन वो स्क्वॉश हो नीचे आ जाती है. जब ये साइन करती है ना दैट्स वेन हर कम्प्लीट ब्रेक डाउन स्टार्ट. सो शी साइंस इट शी स्टार्ट पैनिकिंग अगेन एंड हर फादर कम्स. हर फादर कम्स talks to her and says doesn't know jo maine galti ki hai wo tum nahi karoge. maine ki hai galti. I'm sorry ki maine drugs liye aur main I died. yeah kyunki aaj main zinda hota to tum yahan nahi. bilkul right. so he says sorry to her. he convinces her to stay alive. and then she breaks down. that's when she goes to the hospital. so now there's going to be a shift where you will see Marine gain the courage and also to speak the truth. yeah which we are all waiting for. yeah beech mein mujhe lagta hai episodes drag hui 2-3 aur I think aur jo aapne bhi ek interview mein bola ke you wish ke aswad ko itne extent tak toxic nahi dikhate. aapko lagta hai in do cheezon ki wajah se audiences kuch points nahi samajh saki aur isliye bhi hum kahan ke sachche the ko ek beech mein ek point aaya jab bahut zyada you know baatcheet ho rahi thi aur bahut criticism bhi aa raha tha. Do you feel that way? Yes, I'm sure. तो आपने रोका नहीं आपने क्यों आपने कहा नहीं कि क्यों हम ड्रैग कर रहे हैं you know? नहीं because I feel, actually you are in this position जब आप कह सकती हैं you know क्योंकि वही था ना कि वो patience का test audience का जब बहुत ज़्यादा लिया जाए तो फिर वो भी they lose it you know. I think you see this is something you must ask my director and my writer because of course I am the face of हम कहाँ के सच्चे थे and Kubra and Usman so I know I've seen people ask them as well but obviously I've come after so many episodes so I'm getting all these questions. lekin also because aap Myra Khan hain aap kara sakti hain. nahi main dekhe ek nahi there's sanctity of script which I believe in. okay there is a reason why it's written the way it's written right and I agree of course I agree ki there are some things they say like I said why should we go so much into that you know ki yahan nahi ja sakte yahan nahi ja matlab the level of torture wo usko karta hai bahut uska niche le aaye the right but wo itna aap nafrat karenge aswad se ki aap ki ab time ye aayega ki aapko hoga ki can we forgive him. yeah so that's also a very big part of the script. okay that he went to question this question
that he went to what level to do this. But ye realistic hai kya? Kyunki my concern is I find jo bhi log bolte hain mujhe lagta hai ki hum kahan ke sachche the ka jo sabse important point mere liye wo to show ki abuse kis tarike se hota hai. If just because agar aapko koi maar nahi raha hai to aapko iska matlab absolutely mere khayal mein jo unhone dikhaya so usko agar hum ek level niche la ke dikhate to mujhe lagta hai ki wo zyada realistic hota ek cheez. Dusri cheez Aswad is a different situation. It's one of a situation, and I might get bashing for this. Lekin Aswad is not. Usko ek misunderstanding ke galat fehmi ki bina pe kar raha hai na. He's not a perpetual. He's not a. No. Wo uski agar aap. He's not a serial abuser. Exactly. He's so, a. Phir kya wohi rules hum is situation mein apply kar sakte hain? So my question is ki jab hum itna khubsurat ye idea because have you seen Made on Netflix? Oh, it's brilliant. See, so what they. But show, did you not feel? By the way, while watching me, didn't you feel like, oh my God, everything that can go wrong with her is going wrong with her? Yeah. Did you not feel that at times it was like our dramas where you're like, okay, yeah, come but on. But Maya, the beauty was that, and I exactly, I said in my review, exactly, there was times like, yaar, bas. But then they bring you to the point where they hit you, ki ye kyun unhone dikhaya. Right. Hamare drama wo nahi karte na. Abhi tak nahi karte. Maybe hum kahan ke sachche the, abhi ye kare. I hope so. Yeah. Lekin aap, magar, ये भी पॉइंट है कि अगर आप तीन एपिसोड्स मेड के देख के बोलें कि ये हो रहा है हाँ आप ये नहीं करते यू हैव टू वॉच इट इन इट्स एंटायरिटी यस मे बी देयर कैन बी ऑडियंस दैट वाज लॉस्ट बिकॉज यू फेल्ट दैट यू नो एंड दिस डज हैपन बाय द वे सम एपिसोड्स आर जस्ट लाइक ओके कम ऑन लेट्स गेट टू द पॉइंट बट एक्चुअली दादा ने तो बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे करवाई हैं ओके एंड मे बी देयर वर सम लिंक्स मिसिंग आई एम नॉट श्योर दैट हैव बीन But I think, I personally think that the next episode, I don't know when this will go on air, but the next few episodes, maybe two more episodes, three, the conversation between Mashal and Mehreen. Very important. Is, there are two reasons why I did this show. Okay. One of them is this. It is very important. It's beautiful. Mm-hmm. It's beautiful. Mm-hmm. You know? जब आप दो औरतों को एक्चुअली बैठ के और वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बट इट विल सॉल्व इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस यू नो एंड इट विल गिव समहाउ बिकॉज आई फील वी डू हैव वेरी टॉक्सिक फैमिलीज वी डू हैव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड लिटरली अगर आप कभी किसी से पूछें कि तुम्हें अपनी कजिन क्यों नहीं पसंद तुम्हारी ममानी ने ये क्यों किया तुमने ये क्यों किया तो या चची ने या पुप्पी ने या जो भी तो एक्चुअली आपको पता नहीं होगा कि रियल रीज़न क्या है कोई पुरानी जेलसी कोई एक इंसिडेंट जो रिश्तों को तबाह कर देता जो रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते थे मेहरीन और मशल तो दोस्त थे बिल्कुल दे वर बेस्ट फ्रेंड्स दे वर बेस्ट फ्रेंड्स सो व्हाई डिड दिस हैपन लेकिन असद का मामला तो वही रह जाएगा और अब्यूज़ का मामला ना वो भी तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब्यूज़ Yeah, so yeah, that is yeah. See again. That is very, very important, and of course, because I'm a big, you know, thing of abuse should not be, you know, and he should definitely not be glorified. It should not be glorified. Which, by the way, he's not being glorified. Lekin mujhe lagta hai ki, can I tell you? Yeah. I think my for the first time, Nina also said. यार तुम्हारे साथ वैसे करना बड़ा मुश्किल होता है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ही इज आई वाज लाइक व्हाई शी इज लाइक लुक एट दैट स्टफ दैट्स ऑन टीवी बट दे आर पिकिंग हम कहां के सच्चे थे एंड इट्स ओनली बिकॉज इट्स यू आई वाज लाइक या दैट इज और मैं बाय द वे इनको कहती हूँ आप देखें मैं कह दूंगी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे नॉट जस्ट माई फैंस मेरी एक जस्ट जनरल पब्लिक मुझसे कुछ और मांगती है और फिर मुझे उस पे खड़ा कर देती कि हे यू सेड दिस सो यू कैन बी डूइंग दिस सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज हैज टू डू विद मी एंड द एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर अटैच्ड टू अ प्रोजेक्ट व्हिच हैज मी अनफॉर्चूनेटली और फॉर्चूनेटली बट आई एग्री दिस अब्यूज विल शुड बी रिजॉल्वड आई एम ग्लैड दैट वी हैड दैट सीन बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर इट कि कब आएगा वो सीन जब नादिया बात करती है बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड सच अ गुड मैसेज यू नो वाज अ बिल्कुल कि अगर आप मारते नहीं हैं या आप गाली नहीं देते तो इसका मतलब तो नहीं है कि आप अब्यूज नहीं करते और अगर आप देखें तो सबने ये बात पिक की है इवन बिफोर शी केम एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि ही इज अब्यूजिंग यू कैन नॉट से कि ओ उसने मारा नहीं तो वो सो अब्यूज नहीं कर रहा बिल्कुल सो आई थिंक दिस वाज समथिंग सो इम्पोर्टेंट जो
हम कहाँ के सच्चे थे ने अवेयरनेस क्रिएट की. But do you think she should forgive us for? This was my question to you. Sorry, you have to answer. No, no, but I asked you first. नहीं पहले आप बताएं फिर. नहीं नहीं ये तो अरे I just asked. My answer is very long. My answer is very long. You want me to answer? Yeah. I enjoy hearing you talk. Actually, this is seriously. this is an isolated situation, yeah. where Aswad was misled. I will get so much bashing for this. I think that he should be given another chance. Therapy should be for both of them. And if he was a perpetual abuser, I would say no, not at all. लेकिन उसको और आपने मतलब स्क्रिप्ट थी ना आपने इतना ऐसा नहीं होता एक एक नॉर्मल इंसान ही वाज अ नॉर्मल पर्सन उसको उठा के आपने इतना वो कर दिया ये नहीं है सो एंड आई फील देयर सो मेनी रिलेशनशिप्स जहाँ पे लड़कियाँ जो होती हैं ना सो मोहब्बत में डिग्निटी मेंटेन करना आई फील इज़ अ चैलेंज इट्स अ ह्यूज चैलेंज एंड बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ डी एम्स दैट आई गेट आई फील लड़कियाँ रिलेशनशिप में होती हैं जहाँ डिस्पाइट उनको पता है उनके साथ गलत हो रहा है They still want that guy, that one guy. So instead of saying कि आप कर छोड़ दें या कुछ कर दें for all those girls, I think हम कहाँ के सच्चे थे through Aswad and Mehreen can show a direction, can show a solution. Mehreen ने भी तो अपनी dignity खोई ना उसने उसको sign किया वो उससे कहती है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत के पीछे उसने और बहुत कुछ किया right? So I feel there are a lot of girls who are going through the similar situation. Ladka na bol raha hai, phir bhi wo uske piche ja rahi hai, unke saath bura kar. So unless and until there is perpetual abuse or something, if there are certain situations jahan aapko aisa hota hai, we need to show a direction to those people. This is my thing, and I don't know if I'm making sense. Kyunki dekhiye, aap Aswad ko nikal ke kya karenge? You might create a big monster. You might create a person who live with regret. लेकिन अस्वद एंड मेहरीन एक दूसरे को हील भी तो कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल दैट्स नाउ दैट इज द थिंग या एंड दे बोथ थेरेपी इन देयर दे बोथ नीड टू बी हील्ड ओके आई थिंक ये बहुत जरूरी है एक आदमी औरत मगर एक आदमी को ये सोचना इन दिस केस अस्वद कि व्हाई डिड ही सकम टू अब्यूज व्हाई डिड ही सकम टू इमोशनल and mental abuse we don't talk about his father but was his father like that yeah exactly. who knows or did he see that growing up who knows but I think one thing that should also be talked about and is important is why did Mehreen finally take that abuse why did she take the abuse you're asking me yes I think because she's a broken human being now she's broken but she doesn't have that अच्छा एक और चीज़ बोलूँ बिल्कुल शायद आप लोगों को आई डोंट नो मेरी अपनी एक थ्योरी है ये लिखी हुई थ्योरी नहीं थी लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेहरीन जब अपनी नानी के घर में थी ना और मुझे इतनी मज़े की बात लगती थी एवरी टाइम जब मैं उमेरा के डायलॉग्स पढ़ती थी और मेहरीन के डायलॉग में लिखा हुआ आता था कि ये मेरे नाना का भी घर है उसमें मेरी माँ का भी हिस्सा है आई यूज़ टू लव यस यस अब मुझे ऐसा लगता है कि मेहरीन उस घर में हालांकि वो कहती थी ये घर मेरे लिए अजाब है यहाँ ये मेरा घर नहीं है ये है वो है एक्चुअली वो उसका था उसको लगता था ये अ पार्ट ऑफ हर रिमेंबर एवरी टाइम शी वुड टेल माशा मेरे नाना का घर भी ये मेरा कमरा है सो पली थी ना वहाँ बड़ी हुई थी और वो जो कह रही थी वो सही भी है सो जो भी था नानी डांटती थी ऊपर से आती थी दरवाजे बंद करती थी ये करती थी जो भी था वो उसका था देयर इज यू नो देयर इज अबैंडन इन योर ओन होम यू फील जैसे आप माँ बाप के घर में जब जाते हैं राइट फ्रिज खोलते हैं ये खोलते हैं बिकॉज शी यूज टू बिलीव कि मेरे नफीली अम्मी का हिस्सा ये मेरे नाना का घर है मुझे ऐसा लगता है द मिनट शी पैक्ड हर बैग्स एंड वेंट टू हर खालास वो ओनरशिप खत्म हो गई टूट गया उसका प्राइड भी और उसका मान जो प्राइड था ना उस घर में सो उसको मेहरीन को बहुत जगहों से धचका लगा ना ऑफ कोर्स बहुत जगहों से धचका आप जो भी बोले हम कहां के सच्चे थे लुक एट द कन्वर्सेशंस इट स्टार्टेड ओह यस सो आई फील आई बीन अ फैन ऑफ हम कहां के सच्चे थे ठीक है इट उसने मेरा पेशेंस कहीं टेस्ट किया और मैंने बोला भी है बिल्कुल, मुझे ज़्यादा बोलना ही नहीं है बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल, एपिसोड बिल्कुल लेकिन आई स्टिल फील कि उस ड्रामे ने
कितनी चीज़ें कम्युनिकेट की हैं और कितनी कॉन्वर्सेशंस की हैं. सो इसको रैप अप करते हुए, असफ़त को सेकेंड चांस मिलना चाहिए या नहीं अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू हू? मेरीन. टू यू. इफ आई वॉज मेरीन, आई वुड I'd have a long conversation with Aswath. Yes. That, and, वो तो बनती है. हाँ बनती है. और मैं कहती कि अब हम दोनों as husband and wife decide करेंगे कि कब हम husband and wife की तरह रहेंगे, लेकिन as of now हमें अपने आप पे भी काम करना है और हमें अपनी relationship को भी mend करना है. So I don't know if I would have gone into a husband and wife relationship. But at least start to hai na, maybe it's, yes, conversation because, has to be started. Because I think you'll see, because I've, you know, I know we've played it out, you know, you'll see that he's a good man. Exactly, that's what I'm saying. He's and a I'm good gonna man get a lot he's of just a he's just सी मेरा इशू यही था, इट्स एन आइसोलेटेड सिचुएशन और वो जो अब्यूज़ का पूरा मैसेज था आई विश वो थोड़ा सा जैसे मेट में दिखाया था कि वो किस तरह उसको कंसिस्टेंटली वो लेके जाता है ना. बट चलें, एट लीस्ट इट्स अ बिगिनिंग. आई डोंट वांट टू कंप्लेन टू मच. राइट. अब अगेन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आई वुड हैव लव्ड टू टॉक अबाउट एक है निगार एंड प्रिंस चार्मिंग. टेल मी जस्ट टू थिंग्स अबाउट देम जल्दी से जो भी आपको. एक है निगार तो डिड इट चेंज यू? यस फॉर श्योर, फॉर श्योर. Her story, and to play that, मुझे जनरल निगार हमेशा कहती हैं कि आपने बस मुझे मतलब कमाल कर दिया, वो हमेशा कहती हैं. And I watched it with her. Yeah. We. Wow. Yeah. Okay. She was crying. Yeah. I was crying, holding hands. सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी उसमें? मुझे ऐसा लगता है, to be honest, you don't have to work very hard if you are honest. So if you're honest to the character and you've decided that, you know, this is who I am, this is what she felt, and you just play everything with honesty, you pick up the cup the way she used to, and I did all of that. I think agar aap vaisi tough bole physically and all, the suit I used to wear, the body suit, yeah, wo kafi mushkil hoga na. Itni garmi thi Rabia, itni garmi thi कि जब वो मैं बॉडी सूट उतारती थी तो वो बिल्कुल घीला ड्रेंच्ड, और वो उसमें आपका वेट भी लग रहा है, आप चौड़ी तो अंदर भी आप लोगों ने डाला नहीं, वो इस सूट ना, नॉट द यूनिफॉर्म. ओके यूनिफॉर्म तो ओके. हां, व्हाट वाज उसमें भी यू आर लुकिंग ब्रॉडर, सो डिड यू गाइस डू समथिंग? जी जी, आई वोर लाइक अ व्हाट इज इट कॉल्ड, लाइक अ बॉडी सूट. या या. हां, जिसमें हमने ताकि जरा सा आई शुड लुक अ लिटिल बिगर. या. Yeah, you know, order. So lines banai taki I should look older. Yeah, wo video mein bhi shoot. And kuch logon ne kaha ki ye to grey nahi hui. Bilal grey ho gaye. To Neena bhi kehti thi. Neena is like, Mahira, just put white, put white. I said, no, I'm not gonna do it. He's like, why? I said, because General Ligar has never had white hair. Yeah, wo unke abhi bhi nahi hai shayad. She does not like it. So she had, and jab maine unko bataya. अरे वाह, हाउ डू, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैंने आप बहुत सारे लोगों से आपकी बातें की हैं, मैं पूछती थी छोटी छोटी चीज़ें. इट वॉज अमेजिंग. एंड आई थिंक दैट लास्ट सीन व्हेन जौहर सर डाइड, दैट वाज सो इमोशनल. हम सब रो रहे थे और वो उसका ओएसटी इतना खूबसूरत था, पूरा. और हारून, आपको पता है मैं एक चीज़ कहूँगी, कब्र जो गाना है वो हारून ने बहुत पहले बनाया था और लिखा था, वरना के दौरान शायद उसके बाद. हाँ, सुनाया था मुझे. उसके बाद कभी नहीं सुनाया. हम लोग बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे चीज़ें फॉर निगार, एक है निगार, और मैंने कहा मुझे ये गाना चाहिए निगार के लिए. हम लोग वी वर डिस्कसिंग व्हाट शुड बी गेट म्यूजिक वाइज. मैंने हारून को कॉल किया इन द मिडल ऑफ द मीटिंग. आई सेड, हारून, डू यू रिमेंबर दिस सॉन्ग? इट्स लाइक, या. इट्स लाइक, आई हैव टू फाइंड इट, व्हाट डू यू मीन? I said, just send it to me. Just send it to me. Yeah. He found it. पता नहीं कहाँ उसका rough version. Yeah. Sent it. I played it. Goosebumps. Beautiful. Oof. Yeah, very nice. Oof. Very nice. Yeah. Yeah. Idea कैसा है? क्यों? Why this one? Why not something? जैसे मैंने बोला भी commercial, rom-com, action. क्यों नहीं? Why? एक है निगार. Yeah. Oh my God! Look at the story. You know, we used to. I used to. Always be like, आपको पता नहीं होता ना जब तक आप करते नहीं हैं कुछ काम. आई यूज़ टू विश कि अल्लाह, मैं छोटी होती तो मैं चली जाती आर्मी में. आई वॉज दैट इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड.
my days spent over there were life changing. So it was amazing. What challenges the afternoon? Oh ho ho. बहुत सारे. वी वर जस्ट लाइक ये भी करना है, यू नो यहाँ शूट करना है, फिर एंड एक छोटी सी टेलीफिल्म, यू नो सीरियल नहीं ना, सो इट्स 80-minute टेलीफिल्म, सो यू आर शूटिंग इन हॉस्पिटल्स एंड दिस एंड दैट एंड मेक इट रियल ऑल्सो एंड देन द गेट अप्स. A lot. वो एराज भी तो थे. एराज अब जनरल है, अब कैप्टन है, अब ये है, तो अब वो है. बट वी हैड अ ब्लास्ट. And I'm so glad you did it because I think a lot of women would have been inspired. And it's so lovely to kya hum yahan ki stories kare na. You don't know how many people have applied. That's so good to hear. Yes. So good. Yeah. You must be feeling so proud. I do. Yeah. About Nigar to khair hai. I know. I can see it has a wo jis tarah likha tha. Some of the things like the door, the mere joote utar rahe hain. Nazar nahi aa rahe. You guys cannot see. We can see. But बिल्कुल रिलैक्स कर चुकी हूँ. हाँ बिल्कुल. जिस तरह इवन मेरा यू नो सम ऑफ द सीन्स आई लव्ड द सीन बिटवीन द हस्बैंड द डॉटर एंड द फादर. हाँ वो तो बहुत ही स्पेशली वो जो एंड में आके जब वो रात को बोलते हैं ना जिस बिफोर उसकी मेहंदी की रात होती है क्या, वो तो बहुत ही शादी करके भेज रहा हूँ गुलामी में नहीं भेज. एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड अबाउट द डायलॉग के उसकी इज्जत करना नॉट जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारा मियाँ है, बिकॉज के यू नो तुम उसके साथ रहोगी. बिल्कुल. लवली कॉन्सेप्ट दैट यू नो उस मूवी ने कम्युनिकेट किए. एंड इवन सर जौहर टू हैव यू नो ही वाज एक्चुअली लाइक दिस. सो चेंजिंग द मेन हीरोज हमारे यहाँ ना, सो दैट्स सो आई मीन व्हाट अ मैन. कि अगर कोई तुम्हें आके पूछे कि यू नो बिकॉज दैट्स व्हाट ही टोल्ड हर कि इफ समवन आस्क्स यू व्हाई डोंट यू हैव किड्स तो तुम उनसे कहना जौहर से बात कर. So nice. Yeah. It was beautiful. Really great, and we're so happy beautiful. You made it. Prince Charming. Oh. Out of your comfort zone? You had to? Nahin. I think it was too real for me. Too real. So a bit scary that way. How was Shahryar as a director? Excellent. Mm-hmm. Excellent. Yeah, yeah. He had explained to me what he wanted and that's it. Mm-hmm. And then he had left me to my demons. Mm-hmm. He had triggered a few demons of mine and that's it. मजा आया था देखकर खुद को उसमें. I have only seen it once. Yeah. I can't watch it. Okay. But it was very impactful, yeah. I have to say. Yeah. और again हमें different side आपकी नजर आई. You know just the वो जो एक point आता है ना Prince Charming में टक 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 टक. Yeah. Do you remember this point where? हाँ. I can't watch it. I hate it. Because it's very good. Impactful. It's very very good. No, because it's very impactful. Yes. So I can understand. अगर somebody has gone और कुछ भी connection है. Because as a viewer, I was like, मैं एक stress में थी, मैं एक अजीब feeling. It makes you anxious. Exactly. Anxious is the right word. Yeah. So again, I think but it was great. But क्या उसने खूबसूरती से डिफेक्ट. बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा. I was such a surprise, you know, कि it was very good. No, even Zahid and you know myself and when Zahid left, he was. And just two people story. Wow. Yeah. And mystery. क्या होगा? And चले इतनी हैवी बातें हो गई हैं और ड्रामे भी कर लिए हैं. वी जस्ट गोना डू अ स्मॉल सेगमेंट वेरी क्विकली विद मायरा. मायरा हैज टू रश एंड वी आल्सो हैव टू रश. अब पूरी रात तक यानी फिर सकते. ओके आपकी को स्टार्स. रॉन्ग आंसर ओनली. ओके ठीक है. और एक्चुअली यू कैन टेल द राइट स्टेटमेंट ऑल्सो. मैं नाम लूंगी फिर मैं तीन स्टेटमेंट्स बोलूंगी. उसमें से या तो आप रॉन्ग आंसर बता सकती हैं या फिर ये बता सकती हैं ये सबसे ज्यादा क्या सच है. लेकिन कहानी सुनानी है आपने एक. ठीक है ठीक है. हुमायूं सईद. If you are friends with him, you will definitely be featured on his Instagram with a birthday wish. That is one option. Okay. Second is, if Humayun Saeed were not an actor, he would have been a cricketer. Number three, Humayun Saeed makes the best coffee. He doesn't make coffee, does he? No, I'm telling you, this is a wrong answer. This is the wrong is answer. Is it? I'm assuming. I'm just asking. But he doesn't. हाँ ये हमने create किया था. हाँ, because he doesn't. But also, मेरी तो कभी post नहीं लगाई. Oh, हाँ, he has not wished you on your birthday? No. आपने देखा उनका Instagram? जैसे ये शिकवा तो आपने करना है कि उन्होंने आपकी नहीं. अगर आप देखें ईद मुबारक और बर्थडे विशेस. हाँ अल्लाह भी मैं जाऊंगी. पर पता है मुझे ऐसा लगता है ये हुमायूं करते हैं खुद करते हैं. मैं नहीं पता. पता नहीं मुझे नहीं पता. हाँ मुझे नहीं पता. मैं पूछूंगी उनसे. ओके हाँ ठीक है. लेकिन क्यूट हम दोनों एक दूसरे को वो भेजते हैं. क्या भेजते हैं? एक दूसरे के वो क्या होते हैं वो मिला के वो जो फैन मीम्स एडिट्स. हाँ 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 ओके ओके वो
बिकॉज दे मेक सच ब्यूटिफुल फैन आइटिस तो मुझे भेजते हैं, मैं उनको भेजती हूँ. ओके, सो खाने या कॉफ़ी से रिलेटेड महायों की कोई बात बता सकती हैं या नहीं? अब मुझे, अब आप ये नोटिस कीजिएगा कि जहाँ अगर किसी इंटरव्यू में हुमायूं चाय पी रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो चाय डिबो के अच्छा बिस्किट में चाय डिबो. मैंने क्या बोला? चाय में बिस्किट, बिस्किट में चाय, बिस्किट में चाय, में बिस्किट डिबो डिबो के. आपने ये देखा है कभी? नहीं मैंने नहीं. ओह माय गॉड, ही इज ऑलवेज डूइंग दैट. वाओ, ओके. हां, और कहीं अगर उनको कोई डबल रोटी या कुछ मिल गया तो वो फौरन ऐसे करके कुछ भी. आई स्वेयर टू गॉड ही कुड फाइंड एनीथिंग बट वो चाय में जरूर. फवाद खान इज कंफर्टेबल डूइंग रोमांटिक सीन्स, ये पहला है. फवाद खान्स डांस मूव्स एंड राइटिंग आर द बेस्ट इन इंडस्ट्री. थर्ड है, फवाद खान हैज अ थिंग फॉर चॉकलेट, ही कैन नेवर रेजिस्ट इट. सो ओके, राइटिंग एंड डांसिंग आर व्हाट नॉट, या आई थिंक दैट्स द, इज डांस मूव्स आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. No. But he can make that look good too. So that's also true. Yeah. Yehi sahi kahi. Yeah. So acha, what about romantic scenes? Oh, I think he's very comfortable. Acha. I think so. But I don't know what he says about himself. Nahi, unko chhodi, aap bataye. Haan, mujhe to lagta hai. Haan, koi kissa sunaye aap. Abhi hum dono ek, we were just. Haan, you just shot Neelofar with him. Yes. And very, very, you know, romantic scenes we shot, yeah. And we both were like, what do we do, you know? But we, because we are, yeah, kind of comfortable with, yeah, each other. Yeah. Shehriya Munawar is a Prince Charming in real life. That's number one. Haan. Number two, Shehriya Munawar is quite intimidating as a director. Number three, Shehriya can talk non-stop. There's no wrong answer. He's intimidating as a director? No, he's not. Oh, this is the wrong answer. Yes, acha, sorry. Yes, he is the. I helped you. Now you have to give me a good story. Okay, I'll tell you. So Sherry has a director's look also. It's separate from the actor's look. You know, it's a director's look. Yahan handkerchief, pura look hai. Acha. Ji ji. मतलब वो ऐसे ड्रेस अप होकर आते हैं, मतलब हाँ वो उनकी डायरेक्ट, वो उनका डायरेक्टर लुक है भाई. ओके, क्यूट. हाँ, वो तस्वीर है, बाद में हमें भेजते हैं, हम उसको डालेंगे शायद मेरे पास हो. मगर इट्स अ मोर सीरियस रगेड लुक. आई लव यू. ओह गॉड, मी एंड शेरी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर. व्हेन वी हैंग आउट वी रियली लाइक हैव अ रियली. बट इज ही अ प्रिंस चार्मिंग? लाइक आई फील ही चार्म्स यू, राइट? ही डज, बट आई थिंक, आई मीन, या, आई हैव सीन हिम charm a lot of girls. Yeah, ye bhi sunwana tha, nikalwana chahte the usse. Yeah, I've seen it happen in front of my eyes, and I'm just like, you're getting into trouble. You don't know what you're getting, yeah, into. No, but I think he's also a very sweet guy, by the way. Yeah, he's a charmer, yes, yeah, which, you know, and he's like, a lot of girls fall for him, but I think he's a very good guy as well. Yeah. Yeah. Last, Usman Mukhtar. Usman is extremely conscious about his looks and won't do a scene if his hair is not done properly. Number two, if Usman is on the set, there will be food, laughter and practical jokes. Number three, coffee ka dost and comics ka crazy fan. Comics crazy fan. DC Comics fan. Yeah. That is true. Yeah. Coffee also. Laughter kya? Usman, if Usman is on the set, there will be food, laughter and practical jokes. Kaun sa food? Nahin. खाता ही नहीं था. ओह माय गॉड, इट वाज सो क्रेजी. मैं कहती थी उस्मान हाउ के पूरे पूरे दिन फाका करता था. सीरियसली? और फिर घर जाके खाता था. ओके, सो ही वाज, आई गेस ही वाज, आई डोंट नो, ही वाज ऑन अ डाइट और इट वाज समथिंग, मे बी इंटरमिटेंट फास्टिंग और व्हाटएवर. हम सब खा रहे होते थे, मैं और कुबरा, एंड ही वुडंट. सो वाज दिस मेंट टू बी ट्रू? I don't know, I'm just asking. No, it's not. Well, we went through a few. But he loves to eat. He loves to eat. Because all, like, we researched, and you know, unki Instagram ki aadhi zyada post mein kuch khane ka zikr hai. Haan, magar wo set pe wo nahi khate the. Kuch bhi. Set pe kuch nahi khate the. In fact, chukandar gosht maine apne ghar mein banwaya tha, and he said, main isko leke jaunga. Achha, kuch, matlab ghar pe khana hai. Nahin, he said that I will only eat this once I'm, yeah, you know, right, with chawal and all. Otherwise, he was, I think, trying to lose weight. I'm not sure what it was. So he was not eating. There's a lot of laughter. Yeah. Or kyun na ho, because Usman thinks he's the funniest guy. So he's not?
मैंने और लैला जी एंड नुमा नवाब यू नो ओ बाय द वे यू नेवर आस्क्ड मी अबाउट माय लाइक दीज पीपल आई वर्क पूछूं मैं क्या करूं मुझे इशारे हो रहे कट करो आई नो बट आई हैड द बेस्ट टाइम वर्किंग विद हुमा नवाब एंड लैला वास्ती एंड ज़ीक्यू एंड शमीम इलाली आपको आते हैं ज़ीक्यू के वो इमोजीज वो स्टिकर्स आते हैं और एक नहीं 10 आते हैं नो दे वर अमेजिंग टू वर्क विद हुमा नवाब तो खैर वी हैव अ सेपरेट मैजिकल बॉन्ड वो स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है हां बाबर भी कहता था ये सीन्स बड़े अच्छे हो रहे हैं एनीवे तो उस दिन हम लोग जब शूट कर रहे थे तो लैला वास्ती सेड लैला जी सेड जिनको मैं वास्ती साहब बुलाती हूँ वास्ती साहब सेड के मारे हैव यू सीन दिस इंटरव्यू ऑफ उस्मान्स वेयर ही इज सेइंग दैट आई एम अ वेरी फनी गाय एंड आई सेड ओह रियली ओके उस्मान लेट्स सी यू क्रैक सम जोक्स माशाल्लाह से हमें तो बिल्कुल वो कोई ना जोक ना फन हमने कहा था बट व्हेन आर यू फनी हमने उस बेचारे को इतना तंग किया So yes, he's very funny. Hmm. Yeah, he's probably watching this and saying, yes. "I am funny." Yes, because that's what he was telling me. Yes, but I am. I'm like, who says that about themselves? Usman does. But you know what? Everybody does. Everybody does say that. Yeah. I think he was outnumbered. Ham kahan ke sachche the main bichara. Ek wo ladka aur baki saari. Seriously, you're right. Huh? Yeah. 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 So, bichara. Anyway, yeah. Thank you so much for your time, Mara. Not at all. Not it was so much fun. I know, and I think you'll have to do a part one, part two. We'll see in the edit. It's like that was just recorded because we were in gappo mein itna maza aa raha tha. I know. And wo flow chal rahi thi and again itni aur baatein hain jo karne wali thi lekin time nahi hai. So hopefully maybe we'll have another session very soon. Hopefully. जहाँ हम और हम सफ़र and you know Prince Charming के बारे में और detail में and Sherezad and your you know your films Bol and you know Bin Roy सब के बारे में you know और detail में और so you will come again right? I will because I'm very impressed and I think yeah ये बड़ी एक मेरी I have to tell you also so that you guys my fans and they are my very they're very important to me. Especially this set of you know who have direct access to me you know they'll DM me and stuff. मैंने कहा आपको जाना है यहाँ. मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी मैंने आपको commit कर चुकी थी. लेकिन मतलब there was a thing. इनके पास जाना है. हम कैसे गुंडागर्दी करवाते हैं ना हमारे भी अपने तरीके हैं. अच्छा तो ये आप कर रही थीं. Of course. I'm just joking. Momani. So yeah, they both have this yes, sass. Yes, true. क्योंकि मेरी अम्मा का तो बिल्कुल नहीं है. वो तो बिल्कुल वो तो उनके इनके अब्बा का है. अब हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कोई रियल कहानी है और मेरे अब्बा और मुझे नहीं लगा कि हम ये कैमरा कभी भी ऑफ करने वाले हैं कैमरा कुछ चीजें जा रही हैं कैमरा क्लोज कर देना थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आया यू आर मोस्ट वेलकम एंड रियली रियली हैड अ गुड टाइम और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड वी रियली होप कि हम बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे एंड हैव अनदर बहुत मजे का सेशन विद यू थैंक यू डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर नहीं बंद होने वाला टेक केयर बाय